अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम जो है इसका अगला स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तकरीबन ये 35 नंबर है नंबर के हिसाब से, मगर वैसा देखा जाए तो 40 40वां हिस्सा हो गया 10 इस्लामी का। मगर हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। और मैंने कोशिश जो किया है इसमें, ये जो आखिरी दो चैप्टर में आपको जो लग रहा है, पिछले चैप्टर में भी 34 नंबर में भी और इसमें भी, कि कुछ बातें टूटी फूटी हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि असल में मैंने पिछले चैप्टर में बहुत एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इस पर नहीं कर रहा हूँ। जो रह गई थी या मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा इस पर जोर देना है तो मैंने इस पर दे दिया। बाकी आपको तफसीलात पिछले चैप्टरों में मिल जाएंगी, बहुत तफसील से और अच्छे तरीके से उसका मैं किया है मैंने इसका जिक्र। इस बार तो मैं खाली बस थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा ही बोल रहा हूँ, मगर इंशाल्लाह कुछ काम की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह तो आपको मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ एक हर एक इसमें एक नई बात मिले, नया आपको कुछ सीखने मिले और इस्लाम की स्पिरिट और इस्लाम की आपके अंदर ये आ जाए, क्या है तो ख़ास तौर से फहम, इस्लाम का फहम आ जाए। अच्छा तो ठीक है, अभी इसमें ये देखेंगे कि मैंने बता दिया कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई फ़िरका नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दुनिया से गए तो उस टाइम पे वो कोई फ़िरका नहीं था उनके पास। उस ज़माने में एक मुसलमानों की एक जमात थी जो मुसलमानों के एक अमीर के ऊपर बैत किए हुए थे, उसके इतायत करते थे और जैसा वो अमीर बोलते थे वैसा मानते थे। वो खलीफा खिलाफत राशिदा थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे हुजूर खुद अमीर थे मुसलमानों की जमात के। उन सब मुसलमान उनकी बात मानते थे, इताअत किए हुए थे, उन पे बैत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे तो वो खुद अमीर थे मुस्लिम जमात के, जमात मुस्लिमीन के। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद खुलफाए राशिदीन के ऊपर लोगों ने बैत की और उनकी बात मानी, उनके ऊपर उनके साथ इताअत की और वो उनके जिंदा अमीर थे जब तक थे। उसके बाद जो खिलाफत राशिदा के खातिमा के बाद सूफे अकरम बुजुर्गान दीन ने बैत का सिलसिला जारी रखा, अपने मुरीदों को मुरीद बनाया लोगों को। मुरीद का मतलब है, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, मुरीद का मतलब है इरादा करने वाला, जो इस्लामी तालीमात का सही रास्ते पे आने का, हिदायत का, अल्लाह और रसूल की गाइडेंस जानने का और का इल्म हासिल करने के लिए जो इरादा करता है उसको मुरीद बोलते हैं। और वो लोग जो उनके पीर बन गए थे, पीर का मतलब है फारसी में जो बुजुर्ग होता है, बड़ा बड़ा होता है, शेख, जैसे अरबी में शेख बोलते हैं जो बूढ़ा होता है बड़ा होता है उसको शेख बोलते हैं, वैसा पीर है वर्ड। पीर का मतलब है बूढ़ा, बूढ़ा आदमी। जो बूढ़ा होता था वो जो बुजुर्गान दीन औलिया अकराम बूढ़े ज़यीफ़ होते थे वो नौजवानों को अपना मुरीद बनाते थे, इसलिए उनको पीर बोलते थे। जो बूढ़ा होता था उसको फारसी में पीर बोलते, अरबी में शेख बोलते। अभी भी जो है जो जिन पे बैत होती है अरब मुल्कों में उनको शेख ही बोलता है, फ़लाँ शेख, शेख नाजिम, शेख फ़लाँ। तो वो वैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अमीर थे। और उसके बाद खिलाफत राशिदा के बाद जो है बुजुर्गान दीन औलिया अकराम ने भी इस बैत का सिलसिला जारी रखा और वो अभी तक चालू है, अभी तक चल रहा है। मगर आजकल जो है उसके अंदर जो है वो उसकी स्पीड ख़त्म हो गई, अब वो एक सिलसिला एक रिवायत के तौर पे चल रहा है। असल उसके अंदर जो स्पीड थी औलिया अकराम बुजुर्गान दीन की नहीं रही, बल्कि उसमें बहुत सारे ढोंगी लोग उसमें दाखिल हो गए, धंधा वाले जो अपने बिजनेस बना लिए पीरी मुरीदी को, और ढोंगी किस्म के उलमा उसमें दाखिल हो गए। तो वो अभी जो है तो उसको लोग बुरा समझ रहे हैं और उसके बारे में बहुत बारा तसव्वुफ के बारे में, सूफियों के बारे में बहुत बुरा भला इस्लाम के अंदर लोगों ने कहा है। उसकी वजह ये है कि वो असली सूफियों को नहीं कहा उन्होंने, असली सूफिया जो थे सूफी अकरम बुजुर्गान दीन को नहीं कहा, बल्कि आजकल के जो ढोंगी लोगों ने जो हरकतें की उसकी वजह से वो तसव्वुफ और सूफी अकरम बदनाम हुए। असल में उनका नहीं था कसूर, सूफी अकरम बुजुर्गान दीन की तो बहुत बड़ी खिदमत है कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया। तो ये हो गया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो है ना अल्लाह के आखिरी नबी ने हमको जो है ना हिदायत दी, और हम अल्लाह ने और अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी है कि बीमारी का इलाज कराएं। देखो और एक बात है कि कोई भी बीमारी है उसका इलाज करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तरगीब दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं कहा कि तुम झाड़ फूँक करो, वजीफे करो, अमल अमलियात करो, कुरान की आयत पढ़ के फूँक दो, ऐसा नहीं कहा है। कभी कभी उन्होंने अगर किया भी है तो किसी खास मजबूरी में किया है, कि मजबूरी क्या, उस जमाने में दवाएं दस्तियाब नहीं थी, डॉक्टर दस्तियाब नहीं थे, हकीम नहीं थे, और ऐसे में लोग तकलीफ में और परेशानी में थे, तो उनके लिए एक नफ्सियाती इलाज के तौर पर भी किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी सूफी अकराम बुजुर्गान दीन ने, जो झाड़ फूँक करते थे, अमल अमलियात करते थे, वो मजबूरी की हालत में करते थे कि दवा दस्तियाब नहीं थी। अगर दवा की मौजूदगी में, जब दवा मौजूद है
तो फिर हमको दवा करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम से, अपने अमल से ये साबित करके दिखाया कि बीमारी का इलाज करना चाहिए। बीमारी का इलाज करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिए। मुसलमानों के पास तो तिब्बे नबवी बोल के बहुत किताबें मौजूद है कि इसके अंदर बहुत सी हदीस है, बहुत सी जड़ी बूटियों के अंदर से इलाज करने के बारे में बताया। तो असल में उस जमाने में जो इलाज थे, हुजूर सल्लम जो भी इलाज मौजूद थे हुजूर ने उसको इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि फिर वही इलाज हम करना चाहिए। जैसा कि हुजूर के जमाने में तलवार थी, जब जंग करते थे तीर और तलवार लेके करते थे। हदीसों में भी है कि तलवार रखो, तलवार को तेज करो, और मतलब इस्लाम के दिफा के वास्ते। इसका मतलब ये नहीं कि आज के जदीद दौर में हम रॉकेट और मिसाइल और ये छोड़ के तलवारों को तेज करने लगे, वैसा नहीं है। उसका मतलब तलवार का मतलब है हथियार किसी किस्म का। वैसे उस जमाने में जो भी जड़ी बूटियां और इलाज थे हुजूर ने उसको अपनाया और करने की तरकीब दी। तो हमारा उसका मतलब सिर्फ ये है कि इलाज करना है, वो तरीका इलाज नहीं है। जैसे कि आजकल लोगों को कपिंग कर रहे हैं, हजामा कर रहे हैं और खून निकाल रहे हैं, उस जमाने में हुजूर ने कराया है, मगर वो उस जमाने की मजबूरी थी, उस जमाने में इलाज था। और हुजूर ये बताना चाह रहे थे कि जो भी मुरवज्जे इलाज है, मौजूदा इलाज है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मगर हम लोगों ने आज उसको ये समझ लिया कि वही करते बैठना चाहिए। वो करते बैठेंगे तो फिर वो तलवार का जैसा मामला हो जाएगा कि भाई जो आजकल जदीद दौर के अंदर तुम तलवार लेके अगर मैदान में निकल जाएंगे तो कैसा होगा। तो हुजूर सल्लम का बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आज आप इलाज करो, इलाज का ये तरीके मौजूद है दुनिया में, उस जमाने में उन्होंने किया, आज जो मौजूद है वो हमें करना चाहिए। तो और अमल अमलियात और ये जो तो ये कुरान की आयतें पढ़ने के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कि तो खिलाफ इस्लाम है। हालांकि इस्लामी है, कुरान में हदीस में से भी आपको पता चल जाएगा, मगर मैंने आपको बता दिया कि उसकी वजह थी। हुजूर सल्लम ने और बुजुर्गान दीन ने वो मजबूरी में इस्तेमाल किया था अमलियात का तरीका, क्योंकि दवा की मौजूदगी नहीं थी, हकीम नहीं थे, जड़ी बूटियां नहीं थी। मगर आज के जमाने में जब जदीद साइंस से जदीद जड़ी बूटियां, केमिकल, एंटीबायोटिक जब मौजूद है, तो हमको उसका इस्तेमाल करना है। ये भी अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह ने ही बनाई है जड़ी बूटियां, केमिकल और एंटीबायोटिक, जो भी दवाएं हैं, मेडिसिन जो है वो अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह की रहमत का इनकार नहीं करना चाहिए, अल्लाह की रहमत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अल्लाह की रहमत का जो है तो शुक्र अदा करना है। अगर आप उसको ठुकरा देंगे तो ये नाशुक्री है। तो ये भी एक हो गई। और अल्लाह के हर काम में, हर हर हुक्म में मल्टीटास्किंग होती है। जैसा मैंने बताया इससे पहले चैप्टर में जिक्र कर दिया मैंने कि अल्लाह के हर काम में मल्टीटास्किंग रहती है। मल्टीटास्किंग मतलब एक काम, एक हुक्म, या एक उसमें कई कई फायदे निकलते हैं, उसमें कई कई बातें होती है, कई कई छुपे हुए उसमें से तरीके और फायदे उसमें से निकलते हैं। ये अल्लाह के हर काम में मल्टीटास्किंग, हर काम में हमारी इब्तिला में, हमको तकलीफ पहुंचाने में भी मल्टीटास्किंग है, हमको जो उरूज देने में और हमको तरक्की देने में, उसमें भी मल्टीटास्किंग है। गैर लोगों को भी, हमारे जो दुश्मनान इस्लाम है, गैरों को भी है, गैर मुस्लिमों को भी तरक्की देने में, दिमाग देने में, साइंस टेक्नोलॉजी देने में भी मल्टीटास्किंग है। अब वो मल्टीटास्किंग ये है कि हमको सबको सीखने का और फ्री फेयर मौका भी अल्लाह ताला ने दिया है, और हमारी इब्तिला से भी सबक सीखने के लिए हमको भी और गैरों को भी, हमारे उरूज से भी सबक सीखने का मौका है, और गैरों के उरूज से भी हमको सीखने का मौका है, और हर एक के लिए उसके अंदर मल्टीटास्किंग है। और जैसा कि मैंने बता दिया पिछले चैप्टर नंबर मेरा ख्याल 25 में कि जो एलजीबीटी है, एलजीबीटी जिसको होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं, वो क्यों पैदा हो रही है, हालांकि उनकी तो औलाद नहीं होती है, होमोसेक्सुअल लोगों की औलाद की तरह से होगी वो, मगर उनकी तादाद बढ़ते जा रही है। हम देख रहे हैं यूरोप में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, कि वो एलजीबीटी बढ़ते जा रहे हैं, गे बढ़ते जा रहे हैं, और एलजीबीटी पर लेसबियन औरतें बढ़ती जा रही है, और भी बहुत सारे हैं। तो वो कैसे बढ़ रहे, उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे बताया पिछले चैप्टर में, औरतों की तरफ देखने से होता है। जो औरतें नहीं बल्कि कोई भी अच्छी चीज़ जो खुशनुमा लगती, दिल को पसंद है, हमको अच्छा लगता और अच्छी लगती, वो चीज़ अगर हम देखते या खाते पीते या वो हासिल करते, तो हमारे दिमाग के अंदर जो हार्मोन है जिसको डोपामाइन बोलते हैं, वो बढ़ते रहता, वो एक लेवल पे आ जाता, खुशी, वो खुशी का हार्मोन है, वो खुशी बढ़ती रहती। तो औरतें जो है अल्लाह ताला ने जो है ना दुनिया में हुरों का नमूना बनाया है, अल्लाह ताला जन्नत में हुरें बनाएंगी, तो एक नमूना दिखाने के लिए दुनिया में एक स्पेसिमेन, एक सैंपल है, उसका इस्तेमाल जो है ना औरतों का दुनिया के अंदर इस्लाम के तरीके से, जायज़ तरीके से जो करना है, जो अपनी जो खास बीवी है अल्लाह ताला ने दिया है अपने इस्लाम में, मुसलमानों को मौका दिया है कि शादियां करें, और हुजूर सल्लम की सुन्नत है कि शादी शादी करने के, हुजूर ने तरगीब दी है और शादी नहीं करने का से मना किया है। तो ये असल में दुनिया में जो अल्लाह ताला ने हूरों का नमूना बनाया है, उससे इस्तफादा के लिए इंसानों को दिया है, औरतों को भी दिया है, मर्दों को भी दिया है। औरतों के लिए भी अच्छे और नेक मर्द हैं, और मर्दों के लिए भी अच्छी नेक औरतें हैं, अपनी औरतों से इस्तफादा करना चाहिए। मगर वो उनके तरफ, दूसरी गैर औरतों की तरफ, बाकी दूसरी औरतों को अगर देखेंगे तो वो तो बहुत होती है, अपनी औरत कितनी होती है, एक या दो औरतें होती है, वो उनकी खूबसूरती वहां तक ही है, मगर दुनिया में दूसरी गैर औरतें तो लाखों करोड़ों तादाद में है। अब हर एक को खूबसूरती अलग है, हर एक को अगर आप देखेंगे
तो आपको अच्छी अच्छी लगेंगी। वो अच्छी इसलिए लगती कि वो उनकी खूबसूरती अल्लाह ताला ने बनाया, उसमें अट्रैक्शन है। कुरान शरीफ के अंदर आए थे, सूरह आल इमरान के अंदर भी आए थे कि मर्दों के अंदर, मर्दों को औरतों की तरफ से अट्रैक्ट करने का हमने वो रखा है। अल्लाह ताला ने बोला कि उनकी फितरत है, कि मर्दों की फितरत है कि औरतों से अट्रैक्ट हो गए। सूरह आल इमरान के आए थे, तो बेखर सूरह नंबर 14 नंबर आए थे उसके, आल इमरान की। तो वो तो है, उससे क्या होता है जब हम देखते कोई अच्छी चीज देखते या औरतों की तरफ देखते, तो हमारे दिमाग का डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता, बहुत ज्यादा बढ़ता। तो वो अगर डोपामाइन का लेवल अगर बढ़ जाए, जैसा यूरोपियन मुल्क है या दुनिया दुनिया के गैर मुस्लिम मुल्कों में औरतें बेपर्दा है और बहुत कम से कम कपड़ों में घूमती है, बहुत अट्रैक्टिव कपड़े हैं, रिवीलिंग ड्रेस है, और कासियात अल आरियात जो है मतलब कपड़े पहनी हुई नंगियां घूमती रहती, उसकी वजह से इंसानों का, लोगों का देखने की वजह से उनके तरफ कंटिन्यू, या मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, तस्वीरों में, अखबारों में, और खूबसूरत औरतों के फोटो देखने से डोपामाइन का लेवल बहुत हाई हो जाता। डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो वो एक किस्म की लत बन जाती है, एक किस्म का एडिक्शन हो जाता कि आदमी और देखना चाहता, और खूबसूरत, और खूबसूरत, और आगे, और आगे, और आगे, ऐसा करते करते पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देता, अबाहियत वाली फिल्में, और क्या बोलेंगे, जिंसी अमल वाली फिल्में देखते जिसको पोर्नोग्राफी बोलते हैं, उससे भी डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता। बट डोपामाइन का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता औरतों की तरफ देखने से, दुनिया माशरे में, ऑफिसों में, दफ्तरों में, ऑफिस सड़कों पर जब औरतें घूमती रहती बेपर्दा और कम से कम कपड़ों में, तो डोपामाइन का, इंसान का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता। डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से एलजीबीटी की तरफ आदमी का रुझान चल जाता, जिसको ये लोग बोलते हैं ना कि हमारा ओरिएंटेशन दिमाग का ऐसा है, वो ओरिएंटेशन उधर चले जाता और आदमी जो है ना एलजीबीटी बनने के बन जाते। इसीलिए इस्लाम के अंदर औरतों की हिफाजत के वास्ते पर्दे का इंतजाम है, जो चादर है, चादर ओढ़ने के लिए कहा है, पर्दा है, पर्दा करने के लिए, उसीलिए कहा है कि उससे दो फायदे हैं। एक तो औरतों को फायदा है कि चादर ओढ़ी रहेंगी तो वो, उनकी हिफाजत होंगी और वो अच्छी इज्जतदार औरतें नजर आएंगी और पाक औरतें नजर आएंगी। पर्दा ओढ़ने से लोग उनकी तरफ वो नहीं करते, उनको इज्जतदार समझते, उनकी इज्जत देते, एक तो औरतों की हिफाजत हो जाती, और दूसरा मर्दों को भी वो उनके जिस्म का स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, खूबसूरती नजर नहीं आती, और मर्दों का भी जो है ना बाहर जो औरतें घूमती बाजार में है, काम कर रही है, इधर उधर, अगर पर्दा करी हुई होंगी, स्कार्फ और हिजाब ली हुई रहेंगी, तो वो उनकी तरफ देखने से उतना डोपामाइन नहीं बढ़ता और एलजीबीटी नहीं बनते। ये वजह है कि पहले जमाने में और अभी भी मुस्लिम माशरों में, इस्लामी मुल्कों में एलजीबीटी का परसेंटेज कम है, ये वजह से कि औरतें पर्दे में रहती है, और गैर मुस्लिम में एलजीबीटी का परसेंटेज ज्यादा इसलिए है कि वहां पे औरतें बेपर्दा रहती है। इसलिए पर्दे के अंदर भी जो है अल्लाह की मल्टीटास्किंग है। ये पर्दा जो है हम पिछले 1440 साल से ये बताते आ रहे थे पूरी दुनिया को कि औरतों की हिफाजत के लिए है, मगर आज ये पता चला डोपामाइन की वजह से कि पर्दा औरतों की हिफाजत के अलावा मर्दों की हिफाजत के लिए भी है। अगर औरतें पर्दा करेंगी तो मर्दों के दिमाग का भी डोपामाइन का लेवल नहीं बढ़ेगा और एलजीबीटी नहीं बनेंगे। तो ये भी एक बात है। तो ये भी एक मैं बता दिया कि ये भी मैं पिछले चैप्टर में बता दिया था, आज भी थोड़ा सा उसका जिक्र कर दिया। अच्छा, आज जो है हमारी इब्तला में भी मल्टीटास्किंग है। हम जिस बाजी जिसको बोलते होमोसेक्सुअलिटी, जिसको बोलते एलजीबीटी, और हम जिस बाजी जिसको करते हैं उर्दू में होमोसेक्सुअलिटी, उसकी इस्लाम में मजम्मत है। इस्लाम में और बाकी जो आसमानी मजाहब है उसके अंदर उसकी मजम्मत है। यहूदी मजहब में भी है, क्रिश्चियन मजहब में भी है, इस्लाम में, ये तीनों मजहब के अंदर उसकी मजम्मत की है, बाकी मजाहब में नहीं है। और ये तीनों मजहब असल में आसमानी मजाहब हैं, जिसमें से दो ही मजहब पकड़ना पड़ेगा, इस्लाम और यहूदी मजहब। क्रिश्चियनिटी तो बहुत बिगड़ी हुई शक्ल है, असल क्रिश्चियनिटी तो बाकी ही नहीं है। क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात तो खत्म हो गई, भूल गए, उनके पास तो सही इंजील भी नहीं है मौजूद। तो मगर दो मजहब है जो सही और आसमानी है, वो है इस्लाम और यहूदी मजहब। तो हम जिस बाजी की इस्लाम में मजम्मत की हुई है। कुरान में ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, सकर में है वो लोग, सकर में है। सकर का मतलब है इंटॉक्सिकेटेड, यानी किसी ड्रग के नतीजे में जो रहते हैं, और ऐसे लोग, तो ये असल में डोपामाइन जो है वो एक किस्म का हार्मोन है, ड्रग ही है, ड्रग के एडिक्शन की जैसे उसमें, कुरान शरीफ में उसको ऐसे लोगों को सकर में होने के लिए कहा गया है, और हदीसों में इसकी बहुत मजम्मत आई है कि वो अमल नहीं करना चाहिए, हम जिस बाजी का अमल नाजायज अमल है, नहीं करना चाहिए, उससे रोक सकते, और वो ऐसा अमल है जिससे हम रोक सकते, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई आर्जा या नफसियाती बीमारी या दिमागी बीमारी नहीं है। इस्लाम में मजम्मत से होमोसेक्सुअलिटी की आई है, बीमारियों की नहीं आई है। अब कोई अगर किसी को नफसियाती बीमारी है, कोई आदमी मजनून है, दीवाना है, तो दीवाने की मजम्मत इस्लाम में नहीं आई हुई है, उसके साथ तो फिर अच्छा सलूक करने के लिए, और उसको तो गैर मुकल्लफ कहा गया है कि अगर कोई दीवाना आदमी मजनू कोई काम कर रहा है तो उसको, उसका तो जिम्मेदारी नहीं है किसी किस्म की। मगर इसकी मजम्मत आई है होमोसेक्सुअलिटी की कुरान में और हदीसों में, इसका मतलब ये है कि ये काम अपने इरादे से हम कर सकते, रोक सकते, और ये जो है बीमारी नहीं है। तो ये जो है
हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये है कंट्रोल होता सिर्फ ये अपना डोपामाइन का लेवल कम करने से और अपने इरादे से, तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। और ये कोई बीमारी और आरजा नहीं है, मैंने ये चैप्टर नंबर 25 में तफसील से बता दिया था। अच्छा, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, अल्लाह जो है ना जालिम नहीं है, किसी पे भी जुल्म नहीं करता, मुसलमानों पे भी नहीं, गैर मुस्लिमों पे नहीं, पूरी अपनी मखलूक पे नहीं, पूरी मखलूक जो है अल्लाह की नज़र में, अल्लाह को वो है, महबूब है, और क्या बोलेंगे, अल्लाह सबके साथ बराबर है, इंसाफ है, हर मखलूक के भलाई चाहता है, किसी भी मखलूक के साथ वो बुराई नहीं चाहता। क्यों? तो किसी मखलूक अपनी खुद मखलूक के साथ बुरा चाहना ये भी एक डिफेक्ट है और एक कमजोरी है, खामी है। तो अल्लाह ने अपनी मखलूक बनाया है तो उसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है और कोई उसके साथ जुल्म नहीं करता। अल्लाह किसी का भी दुश्मन नहीं है, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे अमाल का नतीजा है, हमारे साथ जो हो रहा है, जैसा पिछले चैप्टर में आपने देख लिया कि हम जो है उरूज पे थे, पूरी दुनिया के इमाम थे, और वहां से अल्लाह ने हमको पटक के जो है ना जमीन पे डाल दिया और हम पैरों के अंदर रौंदे जा रहे हैं, तो ये भी जो है ना हमारे अमाल का नतीजा है, हमारे पे जुल्म नहीं हुआ बल्कि हमारे अमाल इतने खराब है, जैसा आपने पिछले चैप्टरों में देख लिया कि हमने क्या क्या गलतियां की है, क्या क्या नहीं किया, और तो वो उसके अमाल के नतीजे में हमारे साथ आज जो कुछ शुरू हो रहा है, हम जो दुनिया में रौंदे जा रहे हैं, ये तो बहुत कम है, हमारे जो कसूर इतने बड़े हैं कि हम तो इससे भी ज्यादा के मुस्तहिक है। देखो, हमारे को अल्लाह ताला ने, हम जो ऐसी कौम है कि जिनको अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत दिया और अपनी गाइडेंस दी, कुरान शरीफ दिया, हिदायत दी और अपनी आखिरी गाइडेंस दी, इतनी अच्छी हालत में है, दुनिया का मौजजा है कुरान जो है, क़यामत तक का मौजजा है, क़यामत के दिन तक का मौजजा है, वो ऐसा मौजजा हमको दिया और हमको पूरा दुनिया का मुअल्लिम बना के भेजा था और हमको जो है ना पूरी दुनिया का इमाम बनाया, पूरी दुनिया के ऊपर हमारी हुकूमत रही तकरीबन 1200 साल तक। इतने होकर रहने के बाद भी हमने क्या किया कि ये हिदायत से लोगों को महरूम रखा, बाकी लोगों को महरूम रखा, हम खुद भी फिरका फरका हो गए, और दुनिया के जो दूसरे इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक है, दूसरे जितने भी इंसान हैं गैर मुस्लिम, सब अल्लाह की मखलूक है, हमने वो 90% लोगों को जो है ना गुमराह रखा और दोजख में जाने वाले बनाया, उनको तालीम, इस्लामी तालीम नहीं दी, सही रास्ते पर नहीं लाया, शैतान के रास्ते पर चलने वाला बना दिया उनको हमने, ये हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। हमने जो है ना खाली उनकी दुनिया बर्बाद नहीं की, दुनिया किसी की हम जो है ना 50 साल 100 साल तक बर्दाश्त बर्बाद कर सकते, मगर हमने वो पूरे लोगों की आखिरत बर्बाद की, हमेशा हमेशा के लिए उनको दोजख में जाने वाला बनाया। आखिरत बर्बाद करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है और ये बहुत बड़ा गुना है और हुकूक अमाल की पामाली भी हमने की हुई है, तो ये हमारा बहुत बड़ा जुर्म है कि हमने दुनिया के 90% इंसानों को गुमराह रखा। हमारे पास जब ताकत थी, कुव्वत थी, हम 1200 साल तक दुनिया पे मुतलक एनान हाकिम थे, हमने उनको सही रास्ते पे नहीं लाया, तो ये जुर्म की सजा जो हमको मिल रही है बहुत कम है। वैसे अल्लाह बहुत बड़ा रहम रहमान और रहीम है कि हम पे बहुत ज़्यादा उसने जुल्म नहीं किया और बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ और नहीं दी, बल्कि जो इब्तला है वो बहुत कम है, हमारे अमाल का नतीजा से तो ये तो बहुत कम सजा है, जो कुछ मिल रहा है वो बहुत कम है। तो हमारे अल्लाह किसी के पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी का भी दुश्मन नहीं है, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे अमाल का नतीजा है, बल्कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे अमाल के हिसाब से बहुत कम है, हम इससे भी ज्यादा के मुस्तहिक हैं। हमने दुनिया के अरबों लोगों की आखिरत बर्बाद की है, फिर भी अल्लाह हम पर मेहरबान है और हमको आज भी वक्त दिया हुआ है, आज फिर भी देखो अल्लाह हम पे मेहरबान है, आज भी हमको वक्त दिया है, हम दुनिया में अल्लाह और इस्लाम को सही तरीके से पेश कर सकते हैं, हिदायत और गुमराह के दो रास्ते साफ साफ निशानदी कर सकते हैं ये, और हम हुज्जत तमाम कर सकते हैं। आज भी अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया, आज भी हमारे पास, हम अपनी जात से, अपने किरदार से जो है तो दीन पेश कर सकते, और गैर मुस्लिम जो है दुनिया के जितने उनके सामने हुज्जत पेश कर सकते, क्योंकि तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब किसी कौम पे, कोई मुसलमान कौम पे अगर जुल्म होता है, कुछ गैर मुस्लिम जुल्म करते, तो वो जुल्म उस वक्त ही हटाया जाता है जब वो मुस्लिम कौम गैर मुस्लिमों पर हुज्जत तमाम नहीं करती। हुज्जत तमाम का मतलब है सही रास्ता बताना उनको, गैर मुस्लिमों को अल्लाह की सही निशानदेही करना, सही रास्ता बताना, इसको हुज्जत तमाम करना बोलते। तो जब तक कुरान शरीफ में बहुत जगह लिखा हुआ है कि जब तक हुज्जत तमाम नहीं हो जाती, दुश्मन कुफार मुशरिकीन पे हुज्जत तमाम नहीं हो जाती, जब तक जो है ना कुफार मुशरिकीन का खात्मा नहीं होता, ये कुरान में बहुत जगह लिखा हुआ है और अल्लाह की सुन्नत है, और कुरान में अल्लाह लिखा कि मेरी सुन्नत को आप तब्दील कर होते हुए नहीं पाएंगे, मतलब अल्लाह की सुन्नत हमेशा एक ही रहती, पहले भी वही थी कि जब तक हुज्जत तमाम नहीं होती थी कुफार मुशरिकीन का खात्मा नहीं होता था, आज भी हम अगर हुज्जत तमाम नहीं करेंगे तो कुफार मुशरिकीन का खात्मा नहीं होगा, तो हमको हुज्जत तमाम करना चाहिए, गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया की इस्लाम पेश करना चाहिए। आज भी अल्लाह ताला ने हमको जो है ना हुकूमतें दी है, बहुत सारे मुल्क हमारे अभी मौजूद है, तकरीबन 40% 40% से जमीन के ऊपर हमारा कब्जा है, एरिया वाइज जो लैंड है, जमीन है, उस पर 40% मुल्क हमारे हैं, और
तकरीबन 50 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क है दुनिया में, और मुसलमान तकरीबन 1.5 अरब दुनिया में मौजूद है। हमारे पास अभी भी वक्त है, हम अपने किरदार से पेश कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कुफार मुशरिकीन के पास जाके दीन पेश करने की अभी कंडीशन में नहीं है, पर अपने आप को, अपनी जात को, अपने पर्सनैलिटी को तो हम सुधार सकते हैं, और वो सुधार की हुज्जत तमाम कर सकते हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी सुधारेंगे तो कुफार मुशरिकीन खुद इस्लाम की स्टडी करेंगे, देखेंगे ये लोग अच्छे क्यों हैं, इनके अंदर ये अच्छा ही कैसा है, ये कौम में और ये माशरे में और सोसाइटी में अच्छा ही क्यों है, वो खुद स्टडी करेंगे और उनको पता चल जाएगा ये ऐसा हो। हम हुज्जत तमाम कर सकते हैं, और अल्लाह की हुज्जत, हम हुज्जत तमाम करेंगे तो ये अल्लाह की नुसरत आएंगी, हमको गलबा नसीब होगा, हमारा उरूज फिर से होगा। अच्छा, और निशाने हुज्जत तमाम का, कुरान में 12 जिक्र है कि हुज्जत तमाम करने के बाद ही अल्लाह की नुसरत आती है, और ईमान के बाद अमले सालेह का जिक्र है। अब ईमान लाने के बाद अमले सालेह का कुरान शरीफ में 12 जिक्र है, खाली ईमान के ऊपर नहीं है कि तो खाली ईमान ला लो और जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुरान में हर जगह ईमान के साथ अमले सालेह का जिक्र है। जब तुम ईमान लाएंगे, अमले सालेह करेंगे, तो ही अल्लाह की तुमको मदद मिलेंगी, अल्लाह ताला रहम करेगा, और खाली ईमान जो है इंसान का काम नहीं है आएगा, और अल्लाह की रहमत शामिल होना जरूरी है। कोई भी आदमी अपने अमल से, अपने अमाल से जन्नत में नहीं जा सकता, बल्कि जब उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह की रहमत उसके साथ शामिल ना हो। तो इसलिए हमको जो है ना ईमान के साथ अमले सालेह भी करना चाहिए। अमले सालेह मतलब नेक अमल करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। इस तमाम इस्लामिक कोर्स की मौजूदात के लिए, अच्छा, इस तमाम इस्लामिक कोर्स की तमाम मौजूदात के लिए मैंने बहुत ज़्यादा बयान करना चाहता था, मगर मेरे पास एक बयान के, अच्छा, इस तमाम इस्लामी कोर्स की तमाम मौजूदात के लिए मैं बहुत ज़्यादा बयान करना चाहता था, और मेरे पास मेरे हर एक बयान के लिए कुरान हदीस से हवालात यानी रेफरेंस मौजूद है। जितने भी मैंने बातें की ये पिछले 40 चैप्टरों में, 39 चैप्टर में, मतलब 34 35 है ये, मगर टोटल टुकड़े इसके हिस्से 40 होंगे समझो। तो मैंने अभी तक जितने भी पिछले चैप्टर्स के अंदर जिक्र किया, इस्लामी बातें किया, वो उनके सब के बारे में मेरे पास जो है ना रेफरेंस मौजूद है, हवाले मौजूद है, मगर मैंने वक्त की कमी है और उसको कोर्स को मुख्तसर करने के वास्ते वो ज़्यादा नहीं दिया मैंने, मगर मेरे पास जितनी भी बातें मैंने इस्लामी की सबके रेफरेंस कुरान और हदीस से मेरे पास मौजूद है। इस कोर्स को आपके लिए मुख्तसर करने कर से बहुत सी जगह हवालात नहीं दे सका, मगर जब आप खुद ही मगर आप जब खुद ही आपको इस्लाम का स्पिरिट आ जाएंगे, आपको इस्लाम का शौक पैदा हो जाएगा, और आप इस्लाम की स्टडी करेंगे, कुरान हदीस पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही वो सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। आप खुद ही कुरान को तर्जुमा से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि इंसान की ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए कुरान और हदीस में रहनुमाई मौजूद है। इंसान की ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए, तो मुसलमान के नहीं, पूरे दुनिया के इंसानों के ज़िंदगी के हर लम्हा, हर लम्हा का मतलब हर मोमेंट, हर सेकंड के लिए जो है ना कुरान और हदीस में रहनुमाई मौजूद है। हालांकि कुरान हदीस बहुत बड़ी किताबें नहीं है, कुरान हदीस ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं, छोटी छोटी किताबें हैं, मगर कुरान और हदीस के अंदर क़यामत के दिन तक के लिए, आज पिछले 1440 साल से लेके क़यामत के दिन तक के लिए पूरे दुनिया के इंसानों के लिए इसके अंदर रहनुमाई और गाइडेंस मौजूद है। तमाम मजाहब में सबसे ज़्यादा मुख्तसर किताब इस्लाम के अंदर है। पूरे दुनिया के जितने मजाहब है, सबसे सब मजाहब में से सबसे ज़्यादा मुख्तसर किताबें सिर्फ इस्लाम के अंदर है, और ये भी एक मौजूदा है कि इस तरह मुख्तसर किताबों में से ता क़यामत तक जो है इंसानों के लिए रहनुमाई और गाइडेंस निकल रही है, ये भी एक मौजूदा है। अच्छा, अगर इंसान इंसान है तो इंसान होने का फ़र्क और तकाजा ये है, अगर समझो हम इंसान हैं, हम अपने आप को इंसान बोलते हैं, तो इंसान होने का तकाजा ये है कि हम इंसान होने का फ़र्क और तकाजा ये है कि हम दुनिया में अमन से रहें। अगर हम इंसान हैं तो हमको चाहिए कि हम दुनिया में अमन और इंसाफ से रहें और जुल्म और ज़्यादती न करें, मगर हम देख रहे हैं कि दुनिया में सारे जगह, हर जगह, चाहे वहाँ कोई भी सा भी सिस्टम हो, दुनिया के कोई भी मुल्कों में जब जाके कौन सा भी मजहब हो, वहाँ पे कौन सा भी सिस्टम हो, वहाँ पे जो है जुल्म है, ज्यादती है, इंसाफ नहीं है, जुराइम है, और सुकून और अमन नहीं है वहाँ पे। इससे तो जानवर बेहतर है कि जो अपनी फितरत पर जिंदगी गुजारते हैं और अमन से रहते हैं, जानवर इससे बेहतर है। हम इंसान है अगर है, तो फिर हम क्या फ़र्क है हमारे इंसान में। अगर अगर ऐसा ही है तो इंसान भी एक जानवर है, मगर सिर्फ उसमें अकल ज़्यादा है। अगर ऐसा ही है तो इंसान भी एक जानवर है, मगर उसमें अकल ज़्यादा है, और हाथ की उंगलियों और जिस्म की बनावट में, हमारे जो हाथ की उंगलियां हैं और जिस्म की बनावट है, साइज है, और इस किस्म के हमारा दिमाग, आंखें, उंगलियां, बनावट है कि हम काम कर सकते हैं, हमारी उंगलियां छोटी छोटी है, टाइप कर सकती, मशीनें चला सकती, पकड़ सकती, पेन सक हथियार इक्विपमेंट पकड़ सकती, छोटे छोटे स्क्रू ड्रायर पकड़ सकती, तो हमारी उंगलियों की बनावट ऐसी, जानवरों की उंगलियों की बनावट ऐसी नहीं है। तो हमारे हाथ की उंगलियों और जिस्म की बनावट ऐसी माविन है कि वो काम कर सकता है और चीज़ें बना सकता है और बातचीत कर सकता है। देखो दिमाग भी ऐसा है, जबान ऐसी है, आवाज़ ऐसी है कि बातचीत कर सकता है, लैंग्वेज डेवलप कर सकता है, जबान ईजाद कर सकता है, लिख सकता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि दुनिया के सारी दुनिया सारी में सिर्फ जानवर ही जानवर हैं, फ़र्क सिर्फ अकल का है। अगर ऐसा है तो ये, अगर समझो हम इंसान की तरह रह नहीं सकते दुनिया में, अमन इंसाफ और नहीं कायम कर सकते,
तो फिर और बाकी जानवरों को जैसा रहते हैं, तो फिर हम जानवर है, फर्क क्या है कि हमारे पास जबान है, बात है, अकल है, बस यही है। तो इसका मतलब क्या है, दुनिया सारी में सिर्फ जानवर ही जानवर है, फर्क सिर्फ अकल का है। इसका मतलब ये है कि सारी कायनात के बनाने वाले, इसका मतलब क्या है, लॉजिक का, अब लॉजिक इसमें इन्वॉल्व हो गया, लॉजिक आ गया। अब इसका मतलब ये है कि सारी कायनात के बनाने वाले गॉड को सिर्फ जानवर बनाने आते हैं, सिर्फ जानवर ही बना सकता है, इसका मतलब गॉड ऐसा नहीं है। लॉजिक ये बताती कि अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है, अल्लाह जो है ना जानवर भी बना सकता है, जानवर से हायर मखलूक भी बना सकता है। लॉजिक का तकाजा है, लॉजिक चाहती है कि भाई अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है, तो इसलिए वो खाली जानवर ही नहीं बना सकता, इसका मतलब खाली जानवर नहीं बना सकता, बल्कि वो और भी कुछ बना सकता। तो इंसान जो है अल्लाह ताला ने इंसान को अलग बनाया, जानवरों को जैसा बनाया जानवरों की नकल पे बनाया, अहसन तकवीम पे बनाया। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को अहसन तकवीम पे बनाया, यानी अच्छे अच्छे कन्फिग्रेशन पे बनाया है, जानवरों से कि जैसा मुशाबा है वो, इसलिए कि उसके अंदर भी मल्टी टास्किंग है, इंसानों के लिए सोचने, शकुक शुबहात और स्केप्टिज्म के लिए जगह रखी हुई है कि जानवरों के जैसा बनाया, जानवरों के जैसा खून है, जानवरों के जैसे हड्डियां हैं, तो इंसानों के जो अक्लमंद लोग हैं वो सोचेंगे भाई हम भी जानवर है और इंसान नहीं है दुनिया में, कायनात में अल्लाह नहीं है, फला नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब सोचने के लिए जगह रखी है अल्लाह ताला ने। क्यों, तो उसको अपना कानून, अपना लॉ नहीं तोड़ना है, फ्री एंड फेयर मौका देने का। तो ये भी अच्छा, और इसका कायनात के बनाने वाले गॉड को सिर्फ जानवर ही बनाने आता है, दूसरी मखलूक नहीं बना सकता, ये एक लिमिट है, ये खास कमजोरी है, ये एक डिफेक्ट है। हमारा लॉजिक ये बताती है कि इस कायनात का बनाने वाला ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई कमजोरी और खामी और लिमिट ना हो, कोई लिमिट भी ना हो उसको, अनलिमिटेड होना चाहिए वो। तो ये मंतक का तकाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह हर बुराई और हर कमजोरी और हर खामी से पाक है, वो इंसान बना सकता है और उसने इंसान बनाया है, इसलिए इंसान जो है जानवरों से मुख्तलिफ मखलूक है, और उससे अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, इंसान को अकल दिया, और जो जानवरों में नहीं है, और अल्लाह हर बुराई से कमजोरी से पाक है, वो इंसान बना सकता है और इसने इंसान बनाए। और इंसान होने और अशरफ और मखलूक होने का तकाजा ये है कि हम दुनिया में अमन इंसाफ कायम करें और गुमराही के रास्तों को पहचान ले। और हमारा अशरफ और मखलूकात होने का तकाजा क्या है कि हम जो है ना दुनिया के अंदर गुमराही के रास्ते को भी पहचाने और अच्छाई के रास्ते को भी पहचाने, हिदायत के रास्ते, सही जाने वाले रास्ते को भी पहचाने और गुमराही के रास्ते को भी पहचाने, शैतान के रास्ते को भी पहचाने। ये अशरफ उल मखलूकात होने का तकाजा और हमारे अकल और फहम का तकाजा है। अल्लाह ताला ने जो अकल दिया है जानवरों को, जो नहीं दी, इंसानों को जो अकल दी, फहम दी, दिमाग दिया, इंटेलेक्ट दिया, उसका तकाजा यह है कि हम जो है सही और गलत को पहचाने, अल्लाह को पहचाने, कायनात को बनाने वाले को पहचाने और सही रास्ते को पहचाने, गुमराही के रास्ते को पहचाने और पहचान कर इंसानियत को हिदायत की और सीधे राह पे लाए। और इसके लिए अल्लाह ने इंसानों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए नबी और रसूल भेजे, इंसानों के इम्तिहान के लिए शैतान, अच्छा इंसानों के इम्तिहान के लिए शैतान की बताई हुई गुमराह की राहें भी बताई हुई है। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए शैतान ने क्या क्या गुमराह किया वो भी बताया और इंसानों की हिफाजत का इंतजाम भी किया। शैतान की पैदाइश में भी हमारे लिए इम्तिहान है और अल्लाह की मल्टी टास्किंग है, शैतान को पैदा करने में भी हमारे अल्लाह की मल्टी टास्किंग है कि उससे बहुत सारे काम अल्लाह ताला ले रहा है, हमारा इम्तिहान भी ले रहा है और दुनिया में फ्री एंड फेयर मौका दिया, मल्टी टास्क ये भी है कि कुरान सबको फ्री एंड फेयर मौका भी दिया है, शैतान को भी दिया है। हमने इन इस्लामिक क्रैश कोर्स के असबाक में 12 मंतक और लॉजिक का तस्करा किया है, हमने पिछले कोर्स में और इसमें 12 लॉजिक लॉजिक करते रहे हम लोग, मंतक मंतक करते रहे, तो हमने इस्लामिक कोर्स क्रैश कोर्स के असबाक में 12 मंतक और लॉजिक का तस्करा इसलिए किया कि लॉजिक जदीद साइंस की रूह से एक मुसलमा तरीका है। ये जो लॉजिक है, ये मंतक है, जदीद जो साइंस है, मॉडर्न साइंस का एक मुसलमा उसूल है, ये लॉजिक के ऊपर ही आजकल की जदीद साइंस कायम है। जो बड़ी बड़ी नई नई थेरियाँ निकल रही हैं वो लॉजिक के हिसाब से ही निकल रही है, वो सोच के जिसको लॉजिक बोलते हैं वो उसी निकल रही है। तो लॉजिक एक जदीद साइंस के रूप से एक मुसलमा तरीका है, इसीलिए मैंने अपने दीन इस्लाम की तालीम के लिए लॉजिक को अपनाया है और लॉजिक के तरीके से दीन इस्लाम को सच साबित किया, कुरान हदीस को इस्लाम को सही साबित करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम, हमारा दीन और लॉजिक के ऊपर बिल्कुल सही उतरा है, जो जो लॉजिक बता रही है बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहा है। दुनिया के दूसरे कोई भी मजहब जो है ना लॉजिक के ऊपर नहीं चल रहा है, लॉजिक के सामने हार जाता, दुनिया के सारे मजहब लॉजिक के सामने हार जाते, सिर्फ इस्लाम है जो लॉजिक के साथ चलता है, लॉजिक को लेकर चलता है, लॉजिक के हिसाब से आगे आगे बढ़ते रहता है। जदी साइंस शुरू से एक मुसलमा तरीका है। और जब हमने कायनात की पैदाइश, वसत और ताकतों का जिक्र किया तो लॉजिक का तकाजा है कि वो लॉजिक डिमांड करे कि किसने पैदा की। हाँ, हमने जब कायनात की पैदाइश और उसके वसत और ताकतों का जिक्र किया तो लॉजिक का तकाजा क्या है कि लॉजिक का डिमांड है, लॉजिक की डिमांड करती है कि इसको किसने पैदा किया, ये कायनात किसने बनाई, ये सवाल करना लॉजिक का तकाजा है। और इसका लॉजिक लॉजिकल जवाब यह है कि गॉड ने बनाई। और लॉजिक फिर तकाजा करती है कि इस हैरत अंगेज और नामुमकिन सी नजर आने वाली कायनात को, जिसमें लामहदूद कुव्वतें हैं और मादे हैं और दूरियां हैं, इस कायनात का बनाने वाला भी वैसा ही हैरत अंगेज होना चाहिए।
ये भी लॉजिक का तकाजा है और लामहदूद कुव्वतों वाला और होना चाहिए और हर खामी और कमजोरी से और डिफेक्ट से पाक होना चाहिए। ये लॉजिक बताती है कि वो कैसा हो और वो कैसा कैसा हो, उसमें क्या क्या क्वालिटी हो, और लॉजिक उस गाड की सफात के बारे में बताती है कि वो कैसा और ऐसा होना चाहिए। और हकीकत में इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, गॉड है, कोई एक बनाने वाला गॉड है जिसको हम अल्लाह बोलते हैं। लॉजिक के हर उसूल पर सही उतरता है, हमारा जो इस्लाम का बोलना है लॉजिक के हर उसूल पर सही उतरता है, अल्लाह की बातें भी सारी लॉजिक के ऊपर सही उतरती है। हमने इन इस्लामी इस्बाक में लॉजिक ही की मदद ली है और हमारा दीन इस्लाम लॉजिक के हर सवाल पर पूरा पूरा उतरता है, और दुनिया के तमाम मजाहब जो गलत हैं वो लॉजिक और साइंस के सामने गलत साबित हो जाते हैं, नीस नाबूद हो जाते हैं, गिर जाते हैं, भाग जाते हैं, और सिर्फ इस्लाम लॉजिक और साइंस के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। और आपको ये साबित कर और आपको ये साबित करना है तो आप लॉजिक को इस्लाम पर अप्लाई करके देखो, अगर आपको देखना है साबित करना है तो आप अपने लॉजिक को, ये जो मंतक को, इस्लाम पे अप्लाई करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिक पे इस्लाम पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। अच्छा, दूसरा एक है, इसलिए अल्लाह ने जानवरों जैसा ही मगर जानवरों से अलग खसूसियत वाली मखलूक यानी इंसान बनाए, यानी अल्लाह ताला ने जानवरों के जैसा ही मगर जानवरों से अलग खसूसियत वाली मखलूक यानी इंसान बनाए हैं। अब ये इंसान होने का तकाजा ये है कि हम इस कायनात के बनाने वाले को पहचाने, क्योंकि जानवर इस कायनात के बनाने वाले को नहीं पहचान सकते, इसलिए वो गैर मुकल्लफ है, यानी वो मसूल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, मगर हम इंसान पहचान सकते हैं, हमको अकल है, दिमाग है, फहम है और इंटेलिजेंट हैं हम लोग, तो हम पहचान सकते हैं उसको। अगर हम इतने सब अकल दिमाग के बाद, साइंस की इतनी इक्विपमेंट और इतनी टेक्नोलॉजी ईजाद करने के बाद भी अगर अल्लाह को नहीं पहचानेंगे तो हमको अल्लाह पकड़ेंगे, हम मुकल्लफ हो जाएंगे, हमको अल्लाह जो है तो जवाबदेही करना पड़ेंगी, इसलिए हम मुकल्लफ हैं। और इंसान जो है मुकल्लफ है, इसलिए पहचान सकता है, इसलिए वो मुकल्लफ है और मसूल है और जिम्मेदार है। ना सिर्फ इंसान को इस कायनात के बनाने वाले को पहचानना चाहिए, बल्कि इस कायनात में उस बनाने वाले ने हमारे लिए क्या रहनुमाई की है, यानी इंसान को ना सिर्फ कायनात को बनाने वाले को पहचानना चाहिए, बल्कि ये भी पहचानना चाहिए कि उस कायनात में इस दुनिया के बनाने वाले ने हमारे लिए क्या रहनुमाई पेश की है, हिदायत दी है, वो रहनुमाई हिदायत कहाँ है, और वो भी पहचानना चाहिए। और ये इंसान होने का तकाजा है कि इंसान ने वो ये मालूम करना चाहिए कि कायनात के बनाने वाला है तो फिर उसकी हिदायत कहाँ है, उसने हमको गाइडेंस की है कि नहीं की है, और गाइडेंस की है तो कहाँ है, किसके पास है, कैसा है, वो सब तहकीक करके वो गाइडेंस को हासिल करना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए, उसको उसको यूज़ करना चाहिए। ये इंसान होने का लॉजिकल तकाजा है। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि हर इंसान को अल्लाह ने निशानियाँ दिखाता है। कुरान में अल्लाह ने बहुत जगह कहा है कि इंसान हर एक अल्लाह ताला हर एक इंसान को अपनी निशानियाँ दिखाता है, मरने से पहले वो अपनी निशानियाँ देख लेगा, पहचान लेगा अल्लाह ताला को, अल्लाह है ये पहचान लेगा। इतनी निशानियाँ अल्लाह ताला दिखाता है कि मरने से पहले हर एक इंसान को अपनी निशानी दिखा देता और हर एक इंसान पहचान सकता कि ये कायनात का बनाने वाला अल्लाह है। ये ऐसी बहुत जगह कहा है, सूरह फसीलत में है, सूरह नंबर जो है 41 और आयत नंबर 53, और सूरह नमल में है सूरह नंबर 27 आयत नंबर 93, और सूरह अंबिया में है सूरह नंबर 21 और आयत नंबर 37, और बहुत सारी सूरतों में है कि अल्लाह ताला हम निशानियां दिखाता है इंसान को। और हम तबलीग करो या ना करो, इस्लाम दूसरों तक फैलाओ या ना फैलाओ, हम गैर मुस्लिमों के पास जाके इस्लाम की तबलीग करो या ना करो, अल्लाह ताला खुद से हर एक इंसान को, पूरी दुनिया के जितने भी इंसान है, गैर मुस्लिम है, सब है, हर एक को जो है अपनी निशानियां दिखाता है और हर एक इंसान वो निशानियां देख के पहचान लेता है अल्लाह ताला को। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, मगर उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो है उसमें आ जाते, विशेष सर्कल में फंसे रहते और वेस्टेड इंटरेस्ट रहते उनके कि हमको ये मजहब में लगे हुए, तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो मजहब में उनका कोई फायदा रहता, उसमें अटके रहते हैं और वो फिर अल्लाह को नहीं पहचानते, अल्लाह के पास नहीं आते, पहचाने के बावजूद भी उसकी हिदायत को नहीं, हिदायत तक नहीं आते, इसलिए वो फिर दोजख के मुकल्लफ हो जाते और उनके ऊपर फिर दोजख लाजिम हो जाती। इसलिए लॉजिक का तकाजा है कि इंसान अपनी अकल से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से जो है, इसलिए लॉजिक का तकाजा यह है कि इंसान अपनी अकल से साइंस और टेक्नोलॉजी तो बना रहा है, इसके साथ साथ इस कायनात के बनाने वाले और इसकी हिदायत को भी पहचाने और दुनिया में उस हिदायत और यूजर मैनुअल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला के जो ने जो यूजर मैनुअल दिया है दुनिया में इंसानों को, वो कुरान है और इस्लाम है, इस्लाम की हिदायत है, वो यूजर मैनुअल को पहचाने और उसके ऊपर अमल करे, जानवरों की तरह फितरत पे जिंदगी ना गुजारे। जो जानवर है वो अपनी फितरत पे जिंदगी गुजारते, जैसा उनको बना दिया अल्लाह ताला ने वैसे ही चलते रहते, उसके खिलाफ नहीं होते। आप देखो छोटा सा कीड़ा, जो छोटा सा कीड़ा है वो कैसा घर बनाता, कहाँ से मट्टी लेके आता, कैसे अंडे देता भी, और वो मर जाता, मगर उसके बाद जब बच्चे निकलते हैं, वो उसके माँ बाप के मरने के बहुत दिनों के बाद निकलते, मगर वो बच्चे जब बड़े होते फिर वो वैसे ही उड़ते, उसी दरख्त पे बैठते, उसी फल उसी फूल का रस चूसते, वैसे ही अंडे देते, वैसे ही मिट्टी लेके आते, वैसे ही घर बनाते, फिर मर जाते। हालांकि ये सब बातें उनके अंदर कहीं लिखी हुई नहीं है, कोई मेमोरी कार्ड और मेमोरी चिप उनके दिमाग में लगा हुआ नहीं है, ये फितरत है, अल्लाह ने जानवरों को फितरत पे बनाया है। तो वैसा इंसान जो है, इंसान की भी फितरत है सच को और गलत को पहचानना, हक और बातिल को पहचानना, इसलिए इंसान थोड़ा और दिमाग चलाए, थोड़ा जोर दे और वेस्टेड इंटरेस्ट से बाहर निकले
तो इंसान पहचान सकता है जानवर तरह फितरत पे कुछ जिंदगी ना, इंसान तरह बाहोश हवा जिंदगी गुजारे। इंसान ये लॉजिक का तकाजा है कि इंसान को इतनी जो अकल अल्लाह ताला ने दी, साइंस और टेक्नोलॉजी बना रहे, इतने हिसाब और मैथमेटिक के एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये लॉजिक का तकाजा है कि वो थोड़ा और दिमाग चला के हक और बातिल को पहचाने और बाहोश हवा जिंदगी गुजारे और दुनिया में अमन इंसाफ और इंतजाम कायम करे और शैतान को जो है ना कामयाब नहीं होने दे। क्योंकि शैतान अशरफुल मखलूकात नहीं है, शैतान कामयाब हो रहा है, शैतान को कामयाब नहीं होना चाहिए। हम अशरफुल मखलूकात है, शैतान जो है अशरफुल मखलूकात नहीं है, उसको इसलिए कामयाब नहीं होना चाहिए। इंसान से कमतर है और एक कमतर मखलूक का एक बरतर मखलूक से जीत जाना बड़ी आर की बात है, मतलब बेशर्मी की बात है कि एक कमतर मखलूक जो है एक बरतर मखलूक से जीत जा रही है। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अगर इंसान अशरफुल मखलूकात है तो शैतान जैसी कमतर मखलूक से हरगिज नहीं हारना चाहिए। ये मंतक और लॉजिक का भी तकाजा है और अकल का भी, और हमारा अल्लाह यही चाहता है कि इंसान हरगिज शैतान की गुमराही में ना पड़े। हमारा अल्लाह ताला क्या चाहता है कि पूरे इंसान, पूरे दुनिया के इंसान शैतान की गुमराही में ना पड़े और सही हिदायत पर चले। इसलिए अल्लाह ने इनाम भी रखा है, अल्लाह ताला ने इनाम भी रखा है कि अगर जो सही राहत पे चलेंगे, सही हिदायत पे चलेंगे तो अल्लाह उनको इनाम देंगे, यानी जन्नत है। और जो जो इतना सब अकल और दिमाग रखने के बावजूद भी इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी याद करने के बावजूद भी अल्लाह की हिदायत पे नहीं चलेंगे, हिदायत को नहीं पहचानेंगे, तो फिर उनके लिए दोजख का ईंधन बनना है, यानी दोजख के फ्यूल बन जाएंगे, वहां जाके जलेंगे वहां, और उसके लिए जो है ना दोजख का ईंधन बन जाएंगे। और वो जन्नत है, और अल्लाह ताला ने ये इनाम रखा है, वो जन्नत है। और शैतान से शिकस्त खाने वालों के लिए हम जन्नत नहीं है, जिस तरह दुनिया में कामयाबी और ऐश अकलमंदों के लिए है। नोबल प्राइज किसको मिलता? अकलमंद लोगों को मिलता, आयरे गरे लोगों को नोबल प्राइज नहीं मिलता दुनिया में। वैसा दुनिया जन्नत जो है वो नोबल प्राइज है। अगर जो अपने दिमाग से, अकल से, अकलमंदी से अगर कायनात को देख के अगर अल्लाह को पहचानेंगे, अल्लाह के सही रास्ते को पहचानेंगे, तो वो नोबल प्राइज यानी जन्नत वो लोगों को मिलेगा जो अल्लाह को पहचानेंगे। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में अकलमंद और दौलतमंद ऐश कर रहे हैं, और जो जो है आईक्यू के लोग और कम आईक्यू के लोगों दुनिया में तंग और जिंदगी, हम जैसे देख रहे हैं दुनिया में ज्यादा आईक्यू के लोग, अकलमंद लोग जो है ना ऐश कर रहे हैं, दौलत है, पैसा है, और कम आईक्यू के लोग दुनिया में तंग और दुनिया में उनको दुनिया तंग है उनके लिए, जिंदगी उनके लिए अजाब है। किसके लिए? कम आईक्यू के लोगों के लिए। और इसी तरह आखिरत में भी होगा, अल्लाह को नहीं पहचानने वाले वालों के लिए दोजख है, और अल्लाह को पहचानने और इस्लाम को अपनाने वालों के लिए जन्नत होंगी। अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करता, अल्लाह ने दुनिया में सबको फ्री और फेयर मौका दिया है, इंसानों को भी और शैतान को भी। और इस दुनिया के हर काम में अल्लाह की मल्टीटास्किंग है, हमारी इब्तिला और जवाल में भी, और गैरों के आयश और उरूज में भी जो है ना वो मल्टीटास्किंग है। हमारा उरूज, हाँ, हमारे उरूज में भी और गैरों के जवाल में भी हर हाल में इम्तिहान है और मल्टीटास्किंग है। और ये भी फ्री फेयर मौका देने अल्लाह ताला ने दिया है, हमको भी फ्री फेयर मौका दिया, गैरों को भी फ्री एंड फेयर मौका दिया। अल्लाह ताला हर एक को फ्री फेयर मौका देता है, शैतान को भी फ्री एंड फेयर मौका दुनिया में दिया हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, हर एक को फ्री एंड फेयर मौका दिया, हर एक को जो है ना, और हर एक काम में अल्लाह की मल्टीटास्किंग है। हमारे उरूज में भी मल्टीटास्किंग थी, हमारे जवाल में भी मल्टीटास्किंग है, गैरों के उरूज में भी मल्टीटास्किंग है, गैरों के जवाल में भी मल्टीटास्किंग है। इस पूरी दुनिया के हर काम में, हर चीज़ में जो है ना, हर एक चीज़ में अल्लाह की मल्टीटास्किंग है, और अल्लाह ताला सबको फ्री एंड फेयर मौका देता है। इस दुनिया में अगर हम, अगर सब जवाल में हैं, इस दुनिया में अगर हमको इस जवाल और इब्तिला से निकलने का वाहिद रास्ता, आप इस दुनिया में से, इस जवाल से और इस इब्तिला से निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ ये है कि हम इस्लाम पे कायम हों, दीन हनीफ पे कायम हों। कुरान शरीफ के अंदर जो है ना दीन हनीफ के बारे में आ चुका है कि तुम दीन हनीफ पे आओ, दीन हनीफ पे आओ। देखो कुरान ऐसी किताब है, सिर्फ कुरान और हदीस सुन्नत हुजूर सल्लम की, उसमें सिर्फ किसी बात का, किसी चीज़ का एक मरतबा हुक्म होना, एक मरतबा उसका जिक्र होना ही काफ़ी है। कि तो कुरान और हदीस की बहुत ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, कुरान तो बहुत छोटी किताब है, और क़यामत तक के लिए हज़ारों साल, क़यामत कब आएंगी मालूम नहीं, पिछले 1440 साल से लेके तो क़यामत आने तक कल लाखों साल तक, कब तक? जब तक कुरान हमारे लिए हिदायत है, सब पूरे हमारे लिए ने पूरे दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत और गाइडेंस है। तो इतनी छोटी सी किताब में से इतनी गाइडेंस निकलने के लिए तो उसमें बहुत छोटी बात होना चाहिए, किसी चीज़ का एक मरतबा जिक्र होना ही काफ़ी है। मगर दीन हनीफ पे आने के बारे में एक से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ताला ने कहा है कि दीन हनीफ पे आओ। तो अब इसके लिए इसका मतलब ये बताता है कि इसका मतलब एक से ज़्यादा बार किसी चीज़ का जिक्र है, तस्करा है, तो समझना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतनी मुख्तसर किताब के अंदर वो चीज़ का तस्करा दो से एक से ज़्यादा मरतबा आ गया तो समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुरान और सुन्नत रसूल, कुरान में किसी बात का एक मरतबा आना ही, हुक्म आना ही काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत मुख्तसर किताब है और ता क़यामत के लिए हिदायत है। इसलिए इसमें किसी हुक्म का सिर्फ एक मरतबा आना ही काफ़ी है। मगर दीन हनीफ के बारे में एक से ज़्यादा मौके पर तस्करा आने का मतलब यह है कि ये बहुत ज़रूरी अमर है, इस बात पर गौर करें और दीन हनीफ पर लौट आएँ, और यही हमारी नजात की रास्ता है। अब हमको दुनिया में ये जवाल से, ये जो इब्तला है, हमको परेशानी से अगर निकलना है, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि दीन हनीफ पे आओ,
अल्लाह ताला बोलता है दीन हनीफ पे आओ। दीन हनीफ पे आना क्या है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। दीन हनीफ पे आना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और हम इतने जवाल में, हम लोग, हम दुनिया के इंसानों से जो दूसरे तरह तरक्की कर लिए साइंस टेक्नोलॉजी में, हमसे लाखों साल आगे हो गए, 100 साल 50 साल नहीं, बल्कि हमारे जो दुश्मनान इस्लाम है हमसे लाखों साल आगे हो गए साइंस और टेक्नोलॉजी में। अब हम सोचेंगे हमको इतना उरूज हासिल करना है, वहां तक पहुंचना है, तो हमको भी बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ेगी, लाखों साल आगे जाना पड़ेगा। वैसा नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रहमत रखी है, बहुत छोटा सा रास्ता है, एकदम शॉर्टकट है, वो है दीन हनीफ पे आना। अच्छा, वो क्या है, दीन हनीफ पर लौट आए, और यही हमारी नजात की राह है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हरगिज नहीं है, और सब रास्ते हमारी तबाही और बर्बादी की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, आज हमारे हालात के तनाजु में अब हमको जो है ना क्या करना चाहिए, दीन हनीफ पे आने के बारे में बता दिया, सिर्फ अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल का उस्वा, यानी अल्लाह की किताब यानी कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीसों पे अमल करना, यही है दीन हनीफ पे आना। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका या दूसरा फिरका दीन हनीफ वाला नहीं है। और आज हमारे हालात के तनाजुर में हमको अब सिर्फ अपने किरदार से इस्लाम की दावत देना चाहिए, यानी अपने जो कैरेक्टर से ही अब इस्लाम की दावत दूसरों को देना चाहिए। अपना कैरेक्टर सुधार के, अपने आप को, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को सुधार के जो है ना हमको जो है ना गैरों को दावा देना चाहिए। आज के ज़माने में इंसानों को हुज्जत तमाम करने का यही तरीका है। एक बात ध्यान में रखें कि हम गुमराह होने, एक बात ध्यान में रखें हम गुमराह हुए और अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत अमल नहीं नहीं करे करने की वजह ये हमें ये कि हमें फिरके पैदा हुए। हमने एक बात और ध्यान में रखो कि हमारे जो गुमराह होने का वजह क्या है, हमें फिरके पैदा हुए, हमने अल्लाह रसूल की बात को नहीं माना। अल्लाह रसूल की बात को मानते तो फिरके नहीं बनते, हमने फिरके बनाए और लालच इख्तियार किया, दुनिया की लालच आ गई, दुनिया की और हुकूमत की लालच हम पे आ गई, दौलत की लालच आ गई, फिरके बना दिए, खिलाफत राशिदा का खात्मा कर दिया और अल्लाह रसूल की बात नहीं मानी। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम कोई बात में, अगर तुमको वो डाउट है या कुछ तुम्हें इख्तलाफ है तो अल्लाह रसूल की तरफ रद्द करो, वो बात को अल्लाह रसूल की तरफ लाओ, तो लाएंगे तो तुम गुमराह नहीं होंगे। तो मगर हमने जब हमें इख्तलाफ आए तो अल्लाह रसूल की तरफ नहीं गए, बल्कि तावील शुरू कर दिया, आयत की तावील ऐसी है या हदीस की तावील ऐसी है। तावील करने की वजह हम डायरेक्ट अल्लाह रसूल की तरफ चल जाते, कुरान से रेफर कर लेते, हदीस से रेफर करते, तो बिल्कुल गुमराह नहीं होते। यही से हमारे फिरके वजूद में आया और फिरकों के वजूद में आने की वजह से हम मजीद गुमराह होते चले गए और आज फिरकों में बढ़ गए और सही रास्ते से करोड़ों किलोमीटर दूर चले गए हम लोग। अब अगर हम सही रास्ते पर आना चाहते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक फ्लाई ओवर है। अब हम अगर सही रास्ते पे आना चाहते तो एक शॉर्टकट जो बोलते हैं उसको फ्लाई ओवर है या और क्वांटम टनल है, जैसा आजकल कॉस्मोलॉजी के अंदर जो है क्वांटम टनलिंग का जिक्र है कि एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने के लिए, वो भी कम से कम टाइम में, जीरो टाइम में जाने के लिए टनल क्वांटम टनलिंग बन जाती है। वैसा क्वांटम टनल क्या है, हम तो करोड़ों साल दूर हो गए हमारे दुश्मनान से टेक्नोलॉजी में, साइंस में और जवाल के अंदर, हम तो बहुत नीचे चले गए थे। हमको वहाँ पहुँचने के लिए क्वांटम टनल की जरूरत है और वो क्वांटम टनल और फ्लाई ओवर क्या है, वो जो रास्ता है फ्लाई ओवर जाने का, वो करोड़ों रास्तों के ऊपर से उबर करके जाता है। वो हमारा जो हमको वहाँ पहुँचना है करोड़ों रास्ते हैं, अब उसके ऊपर से उबर करके जाने के लिए फ्लाई ओवर जो है सीधा रास्ता गुमराह से अलग तक रहनुमाई मिलाएगा। वो सिर्फ जो है कुरान और हदीस पर अमल करना है, कुरान और रसूल की सुन्नत पर अमल करें और तमाम फिरकों, तमाम उलमा किताबों को तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की किताब हमको हरगिज़ गुमराह नहीं कर सकती, अल्लाह की किताब हमको हरगिज़ गुमराह नहीं कर सकती और अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी हमको कभी गुमराह नहीं कर सकती। अगर हमको जो है ना शक है कि अगर किसी को शक है कि सिर्फ कुरान और रसूल की सुन्नत हमारे लिए नाकाफी है, अगर कोई आदमी ये समझता है, कोई मुसलमान ये समझता कि कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमको जो है ना नाकाफी है, हमारे लिए हिदायत और हमारे लिए रहनुमाई के लिए काफ़ी नहीं है, तो वो शख्स शैतान के वसवसे में है। कि तो अगर हम कुरान और हुजूर सल्लम की हदीस अगर हमारे लिए नाकाफी है, इसका मतलब हमको अल्लाह ने सही हिदायत नहीं दिया और हुजूर ने सही हिदायत दे के नहीं गए, कोई बातें बताना भूल गए। इसका मतलब अगर किसी को ये शक है कि सिर्फ कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए नाकाफी है, तो वो शख्स शैतान के वसवसे में है, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल हमारा दुश्मन नहीं है और ना ही इन्होंने कोई ज़रूरी बात और ज़रूरी चीज़ हमको कुरान हदीस में बताना भूल गए, ऐसा भी नहीं है। अगर अल्लाह ने कुरान में और रसूल ने हदीस में हमको हमारी ज़रूरत की कोई चीज़ बताना भूल गए, तो फिर आज हमको ज़रूर किसी दूसरे किताब की ज़रूरत होगी। आज हमको दूसरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही होंगी कि क्योंकि हमारे को अल्लाह और रसूल ने कोई बात बताई नहीं, बताना भूल गए, इसलिए हम दूसरी किताबों से मदद ले रहे, ऐसा है इसका मतलब। अगर इन्होंने भूले तो समझो कि कुरान और हदीस के सिवा और किसी किताब की जरूरत नहीं। अगर हम समझते हैं कि हम अल्लाह रसूल ने कुछ बताना भूले नहीं, हमको अल्लाह रसूल ने जो कुछ हमको जरूरी था, जो अहम हमारे लिए जरूरी था वो बता दिया, तो इसका मतलब यह है कि कुरान और हुजूर सल्लम की हदीसों के अलावा हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तमाम फिरकों से बचना और दीन हनीफ पर वापस आना ही हमारी नजात का वाहिद शॉर्टकट है और फ्लाई ओवर है, और हमको आज अपनी ज़ात से और अपने किरदार से दीन गैरों के सामने पेश करने का मौका अलग दिया है। अपने किरदार को संवारना चाहिए, हमको हुज्जत तमाम करने के लिए अपने किरदार को संभालना चाहिए, अपने कैरेक्टर को संभालना चाहिए, अच्छा करना चाहिए।
कर सकते हैं और हुज्जत तमाम करे तो ही हम पर से अल्लाह का गजब हटेगा, वरना नहीं। कुरान में बारहा जिक्र है कि गैरों के सामने हुज्जत तमाम करने के बाद ही अल्लाह की जो है ना नुसरत आती है, इससे पहले नहीं आती। मूसा अलैहिस्सलाम को, जो मूसा अलैहिस्सलाम थे और यहूदी जो थे उनके ऊपर फिरौन का बहुत जुल्म था, फिरौन बहुत जुल्म करता था, मगर वो फिरौन के जुल्म से नजात कब मिली? जब उन्होंने हुज्जत तमाम की और जो है ना बाद में जो वो जो हुज्जत तमाम करके फिरौन और उनके लोगों पे सही दीन का बताया, हुज्जत तमाम किया। बाकी जितने भी पैगंबर आए हुजूर सल्लम से पहले हुजूर तक भी जितने पैगंबर आए, जब वो पैगंबरों ने और उनकी उम्मत ने जब गैरों के सामने सही दीन पेश कर दिया, हुज्जत तमाम कर दी, सही बात बता दी, उसके बाद ही अल्लाह की नुसरत अल्लाह की मदद आई है। जिस कौम में बिगाड़ पैदा हो जाता है फिर वो कौम अपने जो है ना में सुधार नहीं करती, जैसे जिस कौम में जब बिगाड़ आ जाता और वो कौम अपने आप में सुधार नहीं करती तो फिर अल्लाह उस कौम को पूरी तरह मिटा देता है, नीस नाबूद कर देता है। जिस तरह ब्लैक बोर्ड पे, जैसा ब्लैक बोर्ड पे अगर टीचर कोई लिख रहा है, अगर थोड़ी सी गलती हुई तो वो डस्टर से मिटा के फिर से लिख देता, मगर गलती ज्यादा है तो फिर पूरा बोर्ड मिटा देता, ब्लैक बोर्ड पूरा साफ कर देता। वैसे ही है, अगर कोई कौम के अंदर अगर बुराई पैदा हो गई और वो कौम उसको दुरुस्त नहीं करी टाइम पे तो फिर अल्लाह ताला वो कौम को पूरी तरीके से नीस नाबूद कर देता, मिटा देता। हमने ये देख लिया कि दुनिया के अंदर पिछले कौमों में ऐसा हो चुका है, यहूदी और दूसरी कौमें, जरदस्त ये वो, कन्फ्यूशंस, क्या क्या बहुत सारी कौमें थी फिरौनियों की, ये वो, जब उन्होंने अपनी बुराइयां नहीं मिटाई, जो उनको हिज्जत उनके सामने हुज्जत पेश की, उन्होंने अपने सुधारा नहीं, तो अल्लाह ताला ने वो बस्तियां की बस्तियां खत्म कर दी। कौम आद, समूद और उल्टी करी हुई बस्तियां और क्या क्या वहां पे क्या क्या नहीं हुआ, वो कुरान चंद में जिक्र है कि वो सारी कौमों को अल्लाह ताला ने नीस्त नाबूद और बर्बाद कर दिया। अच्छा, पूरी कौम को रख दिया। अच्छा, उनू फनून तहजीब सफात कुछ बाकी नहीं है बचता। तारीख में, आर्कियोलॉजी में आप देखो, तारीख के अंदर जाके देखो, आर्कियोलॉजी के अंदर देखो, कुरान में बारह अल्लाह ने इसके तबाहशुदा बस्तियों को देख के इबरत हासिल करने का जिक्र किया है। अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा है कि ऐसी बस्तियों को जाकर देखो कि वहाँ इबरत हासिल करो। आज हम मुसलमानों में इस्लाह की और सुधार की सख्त जरूरत है। हमारे उलमा के साथ साथ दूसरे अहम अहले फहम हजरात को भी आगे आना चाहिए। हमारे उलमा के साथ साथ दूसरे अहले फहम हजरात को भी आगे आना चाहिए, इस्लाम माशरा करना चाहिए, वरना हम भी इस दुनिया के निज़ाम से डिलेट हो जाएंगे। जिस तरह यहूदियों से सब कुछ छीन लिया गया और जिस तरह मजूसियों से और दूसरे मजहब के लोगों से सब कुछ छीन लिया गया, उनके पास जो है ना उनकी किताबें तक नहीं रही, असली किताबें तक बाकी नहीं रही, खाली दिमागों से और मेमोरी से थोड़ा बहुत उन्होंने किताबें लिख लिए और उनके पास याददाश्त से लिख लिए, कुछ नहीं रहा। वैसे हमारे साथ भी हो जाएगा। और जरदस्त और कन्फ्यूशियस सब की तालीमत जो है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असली इंजील किसके पास, वो भी भूल गए, वो भी खत्म हो गया। अब सिर्फ जो पॉल ने जो बताया वैसी ही बातें चल रही है, उनके पास भी कोई चीज सही नहीं रही बाकी। अब असली किताब बची है तो वो सिर्फ कुरान है, अगर असली किताब अगर बची है तो वो सिर्फ कुरान और हदीस है। फिर अगर हम अगर असली नाहली का मुजाहरा करेंगे तो हमको ये भी, हमसे ये भी छीन ली जाएंगी। हालात तो इसी तरह इशारा कर रहे हैं, हदीस तो ये बता रहे हैं कि हमारे साथ भी वही होगा जो हमारे से पहले कौमों के साथ हुआ। हदीस ये बता रही है कि हमारे साथ भी वही होगा जो हमारे पहले साथ हो, और क्यामत से पहले कुरान उठा लिया जाएगा। हदीस में है कि कुरान क्यामत से पहले कुरान उठा लिया जाएगा। देखो ये ऐसी हदीस है, इन डरावने हालात से बचना है तो पलटो दीन हनीफ की तरफ। कुरान में जिसका एक से ज्यादा बार जिक्र आया है वो बात जरूर ज्यादा अहमियत वाली होंगी। हम मुसलमानों को आपस में इतिहास से रहना चाहिए, हुकूक इबाद की पामाली नहीं करना चाहिए। हुकूक इबाद की पामाली वो जुर्म है जो सबसे ज्यादा किया जाता है, जो बहुत आम है। हुकूक इबाद की पामाली भी नहीं करना चाहिए। हुकूक इबाद की पामाली का मतलब है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। हम लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, चलते फिरते आते जाते पड़ोसी ये वो, हमारे लेन देन ताल्लुकात में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। ये ऐसा जुर्म है जिसको अल्लाह माफ़ नहीं करता। अल्लाह जो हर चीज़ कर सकता है, मगर हुकूक इबाद की पामाली का जुर्म को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता, और शिर्क को भी माफ़ नहीं करता। अल्लाह के साथ किसी दूसरी ज़ात के में कुछ ताकत होने का, कुछ करने वाली होने का तस्वुर सोचना भी, दिमाग में जरा सा ख्याल लाना भी, इसको शिर्क बोलते। अल्लाह दो चीज़ों को नहीं माफ़ कर सकता, एक तो शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा और दूसरा हुकूक इबाद की पामाली को भी अल्लाह माफ़ नहीं करता। इसलिए हमको बचना है। इस्लाम ने दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा, इस्लाम से दुनिया के दूसरे लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखा है। यहूदियों ने भी जो है ना वो इस्लाम से बहुत सीख के अपने दीन में बहुत तब्दीलियाँ की और बहुत इस्लाह की है। रब्बी जो है मूसा बिन मैमून, जिसको रामबाम बोलते, उन्होंने जो है ना इस्लाम से बहुत सीखा और यहूदी मजहब को बिल्कुल इस्लाम के करीब ला लिया, इस्लाम के जैसा बना दिया, एकदम साफ पाक कर दिया। नहीं तो यहूदी मजहब में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बुराइयाँ थी। उसमें जब स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी 800 साल तक, तो वहाँ पे वो ऐसे लोग पैदा हुए यहूदियों के, यहूदी बहुत रहते थे वहाँ पे स्पेन में। फिर वो आया रब्बी मैमून बिन मूसा बिन मैमून, जिसको रामबाम बोलते लोग,
उसने जो है इस्लाम से खूब सीखा और यहूदी मजहब में इस्लाह की। वैसे दुनिया के दूसरे तमाम मजाहब ने इस्लाम से सीख के अपने अपने मजहब में इस्लाह की। दूसरे जितने भी मजाहब है, गंदे मजहब है, अच्छे मजहब कैसे भी हो, सब ने जो है इस्लाम से सीख के अपने मजहब में इस्लाह की और बहुत अच्छा अपने मजहबों को बना लिया। सब इस्लाम से सीख के किया। इस्लाम से पहले वो और आज से 400-500 साल पहले तक भी उन मजहबों में कोई अच्छाई नहीं थी। मतलब जब इस्लाम के बारे में पता चला, आज के जदीद दौर आया, किताबें आई 200-300 साल से पिछले, तो बहुत से मजाहब ने इस्लाम से सीख सीख के अपने मजहबों में बहुत इस्लाह की है। अच्छा, आज यूरोप में ईसाइत के खात्मे के बाद और 9/11 के बाद आज यूरोप में यहूदी मजहब बहुत तेजी से फैल रहा है। अब जो है ना यूरोप में खात्मा हो गया ईसाइत का और 9/11 करके इस्लाम को भी वहां रोक दिया। उसके बाद यहूदी मजहब बहुत तेजी से फैल रहा है, तो वहां पे फला पैदा हो गया। ईसाइत थी यूरोप में और वहां पर ईसाइत खत्म हो गई, तब वहां के लोग जो है यहूदी मजहब इख्तियार कर रहे हैं। और मेरा ये अंदाजा है जाती कि 2099 तक पूरा यूरोप जो है अमेरिका यूरोप सब मिला के यहूदी हो जाएंगे। इस्लाम की बुनियादी तालीमात ये है कि इसका कायनात, इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या है कि कायनात का और हमारा सबका बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। और उस अल्लाह ने हम जैसे हम इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में इंसानों में से अपने रसूल और नबी पैगंबर बना के भेजे और उनको जो किताबें दी, हिदायत दी, और जितनी भी किताब जितने नबी आए जितनी भी किताबें दी, वो सबको मानना हमें इस्लाम में मुसलमान पर लाजम है। और अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर है। एक दिन हम सबका इंसाफ करने के लिए क़यामत कायम करेगा, हमको दोबारा जिंदा करेगा, उठाएगा। उसने जन्नत और दोजख बनाई, फरिश्ते बनाए और पूरी मखलूक बनाई। और जो है ना अल्लाह ताला ने ये मखलूक को बिला मकसद और बेमकसद के नहीं बनाया। अल्लाह एक है, रहीम व करीम है, कुल्ले शैन खदीर है, हयू हयूम है, हाजिर व नाजिर है, इंसाफ वाला है, हर तरह से पाक है, अलीम व खबीर है। उसी का हुक्म चलता है, उसी के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब इस्लाम की बुनियादी तालीमात। मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की इताअत करनी चाहिए और अल्लाह ने मुसलमानों को रसूल की इताअत करने की तरगीब दी है। नमाज, रोजे, हज, जक़ात और इस्लाम के लिए जद्दोजहद, ये सब अरकान इस्लाम है। मुसलमानों पर लाजमी और फर्ज है ताकि दुनिया में अमन इंसाफ कायम हो और शैतान की मर्जी ना चले। इस तमाम इस्लामी कोर्स का मकसद भी आप तमाम लोगों को इस्लाम की स्पीड पैदा करना है। आप तमाम ये जो इस्लामी क्रैश कोर्स का मकसद ही है कि आप तमाम में इस्लाम की एक स्पीड पैदा हो, इस्लाम की एक सही एक तसव्वुर पैदा हो, ये इसका क्रैश कोर्स का मकसद है। अच्छा, बाकी इल्म आप खुद कुरान और हदीस से हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं, दूसरे फ़िरकों के किताबों से हासिल, उलमा से, उन्होंने अच्छे जो काम किए उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। बहुत सारे दूसरे उलमा ने दूसरे मजहब दूसरे फ़िरकों के, जैसा डॉक्टर जाकिर नायक है, डॉक्टर इसरार अहमद है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और मौलाना मौदूदी है और मौलाना अशरफ अली थानवी है और बहुत सारे दूसरे फ़िरकों के जो अच्छे उलमा है उनके अच्छी चीज़ों से इस्तेफादा करना चाहिए। और हम लोग ये नहीं समझना चाहिए कि वो फ़लाँ फ़िरके के, वो फ़लाँ फ़िरके के, ये शैतान हमको रोकता है। असल में उनकी अच्छी बातों को अपनाने और उनकी अच्छी बातों पर अमल इसका इस्तेमाल करने से शैतान रोकने के लिए हमारे दिल में ये वसवसा पैदा करता कि वो फ़लाँ दूसरे फ़िरके का है। हम जो है इंजेक्शन और दवाएँ और केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक और साइंस मोबाइल तो गैरों की इस्तेमाल करते, मुशरिकों की और गैर मुस्लिम की इस्तेमाल करते, मगर मुसलमानों ने जो अच्छे काम किए उनके अच्छे कामों का इस्तेमाल नहीं करते, शैतान हमको रोक रहा असल में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, दज्जाल के बारे में जो मैं बात बता रहा था वो बहुत आया हदीसों में। दज्जाल जो है एक धोखा देने वाला शख्स है, यानी एक शख्स भी, हुजूर सल्लम ने दज्जाल को शख्स भी कहा है और उलमा ने इस्लाम के उसको एक सिस्टम भी कहा है, एक निज़ाम भी कहा है, ताबूत भी कहा है। तो दज्जाल के बारे में बहुत सारा हदीस पे आया है कि दज्जाल आएगा और दज्जाल आएगा, यहूदी होगा और यहूदियों का रहनुमा होगा, धोखा देही में उस्ताद होगा, धोखा देही में माहिर होगा, लोगों को जो है ना पैसों से धोखा नहीं देगा, यानी पैसे किसी को लूटेंगे नहीं बल्कि बातों में और अपनी चीज़ों में, अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस से लोगों को धोखा देगा, अपने आप को पैगंबर होने का दावा करेगा, खुदा होने का दावा करेगा और लोगों को बहकाएगा और हर किस्म की गुमराही, एक बहुत बड़ा सिस्टम उसके साथ होगा, बल्कि दूसरी बातों में धोखा देगा, इसके दावों में, उसके दिखाए में, सब में करिश्मात में सब में धोखे होंगे। इस्लाम के उलमा ने शुरू ही से दज्जाल को और इससे पहले दज्जाल के आने के इससे मतलब इस्लाम के उलमा ने शुरू ही से दज्जाल को और इससे पहले दज्जाल के आने से पहले के दुनिया के निज़ाम को, जो कि गैर इस्लामी उसूलों पर चल रहा होगा और दुश्मन इस्लाम को, दूसरे इस्लाम दुनिया को चला रहे होंगे, उनके निज़ाम को भी दज्जाली निज़ाम कहा है, क्योंकि ये दुनिया और यहाँ की रंगीनियाँ और आयश ये सब लोगों को जो है ना धोखा में डालती है। यहाँ की जो रंगीनियाँ आयश और अय्याशियाँ हैं वो लोगों को धोखे में डालती है और हकीकत दुनिया से जो दूर रखती है, जो हकीकत दुनिया है उसे हल करेगा। अच्छा, हकीकत दुनिया क्या है? हकीकत दुनिया जो सबके मर जाने के बाद दोबारा अल्लाह ताला कायम करेगा, वो हकीकत दुनिया है। दोबारा जब अल्लाह ताला दुनिया कायम करेगा, दुनिया के खाते में के बाद, क़यामत के बाद दोबारा करेंगे, वो हकीकत दुनिया है। उससे जो है ये आज की दुनिया की रंगीनियाँ और आयश और अय्याशियाँ हमको जो है ना धोखे में रखती है, ये भी दज्जाल का एक तरीका है।
अच्छा दज्जाल यानी शैतान का माविन होगा, शैतान का तरफदार होगा, शैतान का साथी, शैतान का एजेंट है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया और इसकी अय्याशियां सब धोखा दी, आखिरत की जिंदगी से धोखे में रखी हुई है। आज की कुफर से भरी हुई दुनिया का निज़ाम जिस चीज़ को अच्छा कहता है दरअसल वो खराब है। आज की दुनिया, आज का जदीद दुनिया का जो निज़ाम है, जो कुफर पे कायम है, वो जिस चीज़ को अच्छा कहता है वो दरअसल खराब है। देखो वो फहाशी को, न मुंशियात को, नशे को, गुमराही को, बेरारवी को, कुफर को अच्छा कहता है आज का जदीद दुनिया का कुफर का निज़ाम, मगर वो अच्छा नहीं है। उसके अंदर कितनी खराबियां हैं, अपन देखिए यूरोप पूरा बर्बाद हो गया कुफर इख्तियार करने की वजह से। और आज का जदीद कुफर का पर जो मुबनी निज़ाम जिस चीज़ को बुरा कहता है वो अच्छा है, वो इस्लाम को, पर्दे को और अच्छी बातों को बुरा कहता है, मगर उसके अंदर अच्छा ही है, हम देख रहे हैं। तो दरअसल जो है जिस आज की दुनिया का हम देखते हैं कि दुनिया और इसकी अय्याशियां सब धोखे में है, आखिरत की जिंदगी से धोखे में रखी हुई है। आज की कुफर से भरी हुई दुनिया का निज़ाम जिस चीज़ को अच्छा कहता है दरअसल वो खराब है, और ये निज़ाम जिस चीज़ को बुरा कहता है दरअसल वो अच्छा है। मसलन आज का कुफर निज़ाम जो इस दुनिया को चला रहा है वो निज़ाम इस्लाम को बुरा कहता है, हालांकि इस्लाम इंसानों के लिए फायदेमंद है, और दुनिया का निज़ाम फहाशी और बेपर्दगी, सूद और जुए और शराब मुंशियात को अच्छा कहता है, हालांकि सब इंसानों के लिए खराब है। हदीसों में आता है कि दज्जाल जब आएगा तो उसके साथ दो चीज़ें होंगी, यानी उसके साथ दो चीज़ें होंगी, एक तरफ चीज जन्नत होंगी, एक तरफ दोजख होंगी, मगर वो जिस चीज को जन्नत बोलेगा वो दोजख होंगी और जिस चीज को दोजख बोलेगा वो जन्नत होंगी। ये हदीसों में है दज्जाल के तालुक से। और दज्जाल के तालुक से ये भी है कि दज्जाल का जिक्र करना जब उलमा इस्लाम की उलमा छोड़ देंगे, जब निकलेंगे मस्जिदों में से, जब दज्जाल का जिक्र निकलना बंद हो जाएगा उस वक्त दज्जाल जाहिर हो जाएगा। आज का जदीद निज़ाम दुनिया में दुनिया ही को अच्छा और हकीकी कहता है। आज का जो जदीद निज़ाम है दुनिया का वो दुनिया को ही अच्छा और हकीकी कहता है, हालांकि जदीद साइंस थेरिया हालांकि जदीद जो मॉडर्न साइंटिफिक थेरिया है इस कायनात के बारे में मुख्तलिफ राय है। आज का जो जदीद निज़ाम है कुफर का निज़ाम, ये क्या कहता है, ये जो क्या कहता है कि ये जो कायनात है, ये दुनिया है, ये जो मौजूद है वही हकीकी है, मगर आज की जो लेटेस्ट थेरिया है, जो थेरीज है उसके आजकल की लेटेस्ट मॉडर्न थेरी, वो तो इस कायनात के बारे में भी उनके ख्याल मुख्तलिफ है। बहुत सी थेरियाँ तो ये कहती है कि ये कायनात जो है ना वो मुसलसिल फना होती रहती है और पैदा होती रहती, वो क्या बोलेंगे उसको, अनहिलेट होती रहती, पैदा होती रहती, वो जो उसके बारे में है पार्टिकल है, पैदा होते रहते खत्म होते रहते, पैदा होते रहते खत्म होते रहते, वो कंटिन्यू एक बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ चालू है। तो ये क्वांटम थ्योरी के अंदर है। आज कल जदीद थ्योरी है इस कायनात ही के बारे में मुख्तलिफ राय रखती हैं। एक जदीद थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी ये मानती है कि इस कायनात की हर चीज़ बहुत बारीक जर्रात से बनी हुई है जो हर वक्त वजूद में आते रहते हैं और फना होते रहते हैं, यानी पूरी कायनात जो है बहुत बारीक जर्रा से बनी है, यानी क्वांटम से बनी हुई है, और जो हर वक्त वजूद में आते रहते और गायब खफना भी होते रहते, यानी कायनात जो है ना बिल्कुल ब्रीथिंग की तरह है, पैदा हो रही खत्म हो रही, पैदा हो रही खत्म हो रही, बिल्कुल उसी हालत में और कंटिन्यू चली जा रही है, और बहुत ज्यादा हाई स्पीड से है। ये स्ट्रिंग थ्योरी भी ये कहती है, क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं, जो हर वक्त वजूद में आते हैं फना होते रहते हैं, यानी हमारे तमाम का तमाम वजूद एक मखसूस फ्रिक्वेंसी पर धड़क रहा है, मुमकिन है लाइट की स्पीड पर धड़क रहा होगा ये फ्रिक्वेंसी हो सकती है या उससे ज्यादा। और एक जदीद मफरूजा ये है कि हमारा तमाम वजूद और कायनात एक साइमुलेशन है, और एक जदीद मफरूजा ये है, एक थेरी तो ये है कि पूरी कायनात ये मौजूद हमारी जो सितारे ये वो देख रहे हैं, ये एक साइमुलेशन है, जैसा कंप्यूटर के पास साइमुलेशन करके हम ये कुछ चीज़ बनाते हैं, जैसा सितारों के टकराव या किसी चीज़ केमिकल का बनना या कुछ प्रोसेस को अगर देखना है तो कंप्यूटर पर हम साइमुलेट करके देखते हैं, वो चीज़ हकीकत में नहीं रहती, कंप्यूटर में वो हालात ऐसे बनाते हैं, ऐसे उस कंडीशन में डाल देते कि वो चीज़ उस पर हमको नजर आती है, ऐसे होती है, उसको साइमुलेशन बोलते हैं। वैसा एक जदीद मफरूजा तो यह है कि पूरी कायनात जो है एक साइमुलेशन है, किसी ने बहुत बड़े दिमाग वाले ने कंप्यूटर साइमुलेशन बनाया है, और हम असल में हकीक नहीं है बल्कि हम साइमुलेशन है, ऐसा बताया है। और ये एक थ्योरी भी है। जब जदीद साइंस ही एक बात पर मुत्तफिक नहीं है तो फिर आज की दुनिया किस तरह हकीक हो सकती है, जब जदीद साइंस आज की लेटेस्ट मॉडर्न साइंस ही मुत्तफिक नहीं है तो हम कैसा आज की दुनिया के पर ये रख सकते हैं कि हकीकी है क्या है। इसका मतलब जो इस्लाम बोल रहा है वही सही, इस्लाम बोल रहा है ये दुनिया ये कायनात हकीकी नहीं है, हकीकी जिंदगी मौत की बात की है, जब जिंदा बाद में दोबारा जिंदा होंगे वो हकीकी जिंदगी है। इसलिए अकल की बात यह है कि सिर्फ इस्लाम की बात मानी जाए और ये माना जाए कि जो अल्लाह कहता है वही सही है। अगर अल्लाह कहता है कि आखिरत वाली ज़िंदगी हकीकी है तो फिर हमको अल्लाह की बात पर भरोसा करना चाहिए। आज के जदीद निज़ाम दुनिया को जो कि कुफर पर कायम है वो दरअसल दज्जाली निज़ाम है जो तमाम लोगों को धोखे में डाले हुआ है। आज का जो जदीद निज़ाम है जो कुफर के पर कायम है वो दरअसल दज्जाली निज़ाम है जो तमाम दुनिया के लोगों को धोखे में डाले हुआ है। यही दज्जाल का तरीका है। दज्जाल का खुरूज एक शख्स की शक्ल में होगा। दज्जाल का खुरूज जो है हदीस में है, एक शख्स की शक्ल में होगा जो यहूदी होकर रहनुमा होगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इस बात का इशारा कुरान में भी मौजूद है। दज्जाल का खुरूज जो है, दज्जाल तो का सिस्टम भी है, और एक हुजूर ने हदीस में कहा है तो एक आदमी की शक्ल में भी खारिज होगा, वो एक आदमी की शक्ल में भी निकलेगा, तो उसका इशारा कुरान में भी मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था,
जब उनकी ऐसी हुकूमत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, हवा पे, पानी पे और हर किस्म की ताकतों पे, जिनों पे, इंसानों पे, जानवरों पे, सबके ऊपर हुकूमत थी। जानवरों से बातचीत करते थे, चिमटी की तक बात समझते थे। तो ऐसे टाइम पे अपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि उनके तख्त के हुक्मरानी के जो तख्त है, जिस पर तख्त पे बैठ के हुक्मरानी करते, थ्रोन, उसके ऊपर उन्होंने एक जिस्म देखा पड़ा हुआ। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि आप मेरे बाद ऐसी अल्लाह ताला किसी को हुकूमत नहीं देना। तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे बाद ये ऐसी हुकूमत, मेरे जैसी हुकूमत किसी को नहीं देना। तो ये इसका ये कुरान में जिक्र है। तो दज्जाल का खुरूज एक शख्स की शक्ल में होगा और यहूदियों का रहनुमा होगा। दज्जाल का खुरूज एक शख्स की शक्ल में होगा, एक फर्द की शक्ल में होगा और वो यहूदियों का रहनुमा होगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इस बात का इशारा कुरान से भी मिलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरे जैसी हुकूमत फिर किसी को नहीं देना, क्योंकि तो सुलेमान अलैहिस्सलाम यहूदियों के बादशाह थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरे जैसी हुकूमत फिर किसी को नहीं देना। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा, पानी, जानवर, जिन, इंसान सब पर हुकूमत दी थी। बिल्कुल उसी तरह की हुकूमत दज्जाल की भी दुनिया में होंगी और दज्जाल की हुकूमत भी ऐसी होगी पूरी दुनिया में। उसका सिस्टम आज देख रहे हैं, पूरी दुनिया में कुफर का सिस्टम है। हवा, पानी, आसमान, सितारों, सब पे ये इनकी हुकूमत और ये साइंस और टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। तो इस तरह की हुकूमत जो है दज्जाल की भी होगी। आज यदि साइंस से हमारी दुनिया के गैर मुस्लिम पूरी दुनिया में जमीन, आसमान, हवा, पानी, जानवर सब पे हाकिम है, क्योंकि हजरत सुलेमान सलाम ने ख्वाब देखा था कि उनकी तख्त पर एक जिस्म बैठा हुआ है और ये जिस्म दज्जाल है। और इस जिस्म को देखने के बाद ही हजरत सुलेमान सलाम ने दुआ की थी। जब जिस्म को देख लिया था उसके बाद ही हजरत सुलेमान सलाम अल्लाह से दुआ की थी। मगर अल्लाह ने तो हजरत सुलेमान को हुकूमत दी, वैसी हुकूमत दज्जाल की भी होगी, क्योंकि दज्जाल ये दुआ करने से पहले से ही उस पर पड़ा हुआ था। जब हजरत अपने सुलेमान सलाम ने उसको देखा उसके बाद ही दुआ की, तो इसका मतलब वो दज्जाल को भी हुकूमत ऐसी मिलेगी, क्योंकि वो दज्जाल दुआ करने से पहले वो वहां पे उनके तख्त पे बैठा हुआ था। अच्छा, ये ऐसा तो मेरा ख्याल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, वही तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, वही दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुनिया में इस्लाम की हुकूमत कायम होगी और दज्जाली निज़ाम फना हो जाएगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो जाएंगी और उनके जैसी हुकूमत पर बैठने वाला धोखेबाज मारा जाएगा। खुर क्यामत के ताल्लुक से बहुत सी अहादीस हैं, आप जब हदीसों का मुताला करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। इससे इस्लामी क्रैश कोर्स का ये मकसद है कि मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों को इस्लाम की तलब पैदा करना। आप में इस क्रैश कोर्स का मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों में इस्लाम की तलब पैदा करना। बाकी काम आप खुद करेंगे। जिस तरह एक जैसे सीड क्रिस्टल होता है, जैसे क्रिस्टल बनाने का जो तरीका होता है साइंस में, एक सीड क्रिस्टल बनाने के लिए छोटा सा वो क्रिस्टल डाल देते हो सोल्यूशन में, वो सीड क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे सीड क्रिस्टल डालते हैं बाकी क्रिस्टल ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाते हैं। वैसा ही मेरे क्रैश कोर्स का मेरा मकसद ये कि एक सीड आप में पैदा कर दिया जाए। सीड तो आप खुद ब खुद आपके अंदर तलब पैदा होंगे और इस्लाम में आप इस्लाम करेंगे। दुनिया के अंदर इंटरनेट पे, लाइब्रेरियों में इस्लामी बहुत किताबें मौजूद है, आप पढ़ेंगे। मैंने वो आपका एक सिलसिला शुरू कर दिया है। अच्छा, आज की जदीद दुनिया में हम मुसलमानों की गलियां, हमारे रास्ते, हमारे हालात, माशिया सब खराब है लगते हैं हमको। ऐसे लगता है कि हमारी दुनिया में हमारे रास्ते, गलियां, रास्ते सब खराब है, हमारे हालात। आज की जदीद दुनिया में कुफार मुशरिकीन की गलियां, उनके महल्ले, उनकी सड़कें देखो कितनी अच्छी लगती, चकाचौंध महल्ले, सड़कें। मगर हमारे जो रास्ते हैं वो जन्नत की तरफ जाने वाले हैं, मस्जिदों की तरफ जाने वाले, और कुफार के जो चमकदार रास्ते हैं वो दोजख की तरफ जाने वाले हैं। ये भी दज्जाली सिस्टम है। जो चीज जन्नत लग रही है वो दोजख है और जो दोजख लग रही है वो जन्नत है। हमारे रास्ते, हमारे गलियां दोजख लगती है, हमारे हालात दोजख लगते, मगर जन्नत की तरफ जाने वाले, सही रास्ते की तरफ बताने वाले, कुरान और हदीस की तरफ जाने वाले, और कुफार की चकाचौंध वाले महल्ले, चकाचौंध वाले घर, बिल्डिंग, रास्ते और उनकी जिंदगी वो दोजख की तरफ जाने वाली है, शैतान की तरफ जाने वाली है, वो सही रास्ते पर आने वाले नहीं है। अच्छा, ये कुफार मुशरिकीन की सब तरफ की चमक धमक ये सब ऐसे ही है। अच्छा, इसलिए हमको साबित कदम रहना चाहिए, इस्तेकामत रहना चाहिए इस्लाम को। अब ऐसे हालात में, ऐसी परेशानी में, ऐसी मुसीबतों में हमको जो है ना दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बल्कि इस्लाम पे सही तरीके से और कायम होना चाहिए। जैसा जैसा हो रहा और इस्लाम और कुरान को, कुरान और हदीस की तालीम हासिल करेंगे, दिल में सुकून पैदा होगा। ये मेरा दावा है और सबका ये है कि कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो आपके दिल में रोशनी पैदा होगी, ये पैदा होगा। कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो इत्मीनान पैदा होगा, दिल में इत्मीनान पैदा होगा और अल्लाह ताला नूर देगा। अल्लाह ताला जो मोमिन की फरासत के बारे में हदीस है कि मोमिन की फरासत से डरो, क्यों? तो मोमिन जो है अल्लाह के नूर से देखता है। और अल्लाह का नूर कब पैदा होता है? जब आप कुरान और हदीस को समझ के पढ़ेंगे, कुरान हदीस की स्पिरिट जान लेंगे, तो अल्लाह ताला आप में अल्लाह का अपना नूर देगा और आप नूर से देखेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है कि मोमिन की फरासत से डरो। मोमिन की फरासत यानी मोमिन के फहम से, यानी मुसलमान के फहम से
डरो क्यों, तो मोमिन जो है अल्लाह के नूर से देखता है। तो इस्लाम के जैसे नामुसाइद हालात में, ऐसी परेशानी में भी दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और इस्लाम पे कायम होना चाहिए। कुरान हदीस पे कायम हो जाओ, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, सारी आपका जो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। दीन इस्लाम पे कायम होने से डिप्रेशन खत्म होता, और कुफ्र से जो है मायूसी पैदा होती, बैकग्राउंड मायूसी पैदा होती और डिप्रेशन आता। आज देख रहे पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम मुल्कों में लोग खुदकशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? कुफ्र की वजह से। उनके अंदर बैकग्राउंड जो है ना मायूसी है, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। इस्लाम जब मुसलमान सही तरीके से पाता, अल्लाह को पहचानता, अल्लाह अल्लाह के वजूद को मानता, कुरान हदीस पढ़ता, उसका डिप्रेशन नहीं रहता मुसलमानों में, इसलिए खुदकशियाँ नहीं है। तो ऐसे इसलिए हमको आज मजबूती से पकड़ लेना चाहिए इस्लाम को, इस्तेकामत से कायम हो जाना चाहिए, और जो भी तकलीफ हो रही है बर्दाश्त करना चाहिए। इसका अल्लाह ताला अजर सवाब देगा और जन्नत हमारे लिए लाजमी है। हम जो है ना दुनिया में परेशान ना हो, दुनिया के जो काफिर है वो तो परेशान होते रहते, क्योंकि उनके आगे कुछ भी नहीं है। दुनिया में भी परेशानी होंगी, उनको मरने के बाद भी परेशानी, उनके आगे तो परेशानी परेशान, पर हमारे आगे अगर परेशानी है, आज अगर मुसीबत है, तो हम अगर हमारा ईमान है तो हमको कल जन्नत मिलेंगी। ये हमारे सामने एक तो पॉजिटिव पॉइंट मौजूद है कि हम अगर तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो जन्नत हमको लाजिम मिलना है। मगर कुफार के आगे तो कुछ भी नहीं है, वो तो इधर भी मुश्किल में उधर भी मुश्किल में है, इसीलिए हमको पकड़ना चाहिए। हुजूर की अहादीस में है कि दीन को तमाम मुसलमानों के लिए आसान बनाओ। हुजूर सल्लम की अहादीस में है कि दुनिया दीन को तमाम मुसलमानों के लिए आसान बनाओ, ताकि सारे ज्यादा से ज्यादा लोग दीन पर अमल कर सके। इसलिए मैंने इस्लामिक क्रैश कोर्स में दीन को आसान बनाने के तरीके पेश किए हैं, और आसान तरीके से पेश किया है इस दीन को, आसान तरीके से पेश किया कि दीन को हुजूर सल्लम कहा कि आसान बनाओ। इसलिए मैंने इस्लामिक क्रैश कोर्स को दीन क्रैश कोर्स में दीन को आसान तरीके से पेश किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेफादा कर सके, फायदा हासिल कर सके, दीन पर अमल कर सके। आप में के वो लोग जो अब तक ईमान की कमी की वजह से नमाजें नहीं पढ़ते थे, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दुरुस्त की वजह से आप नमाजें शुरू कर देंगे। अल्लाह का वजूद आपको पता चल जाएगा, कि बारे में पता चल गया होगा, तो आप नमाजें शुरू कर दें। बिल्कुल जब भी आपको मौका मिले आप नमाज जरूर पढ़ना शुरू कर दें, जो भी जैसे ही मौका मिले। खजाब क्यों नहीं होती, खजा भी होने लगी तो पढ़ना शुरू कर दें। कम से कम नमाजें तो शुरू करें। शुरू शुरू में आदत डालने के लिए फर्ज नमाज पढ़ लें, और रातों में देर तक जागने वाले जो लोग हैं, जो रातों में देर तक जागते हैं, 1 बजे तक, 12 12, 12:30, 1 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, ऐसे लोगों की फजर मिस हो जाती। तो ऐसे लोग जो है जब सुबह कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा जब भी नींद में से उठें ब्रश करें, वजू करें, और सबसे पहले 2 रकात खजा नमाज पढ़ लें फजर की। ऐसा करेंगे तो आदत होंगी, बाद में अल्लाह ताला राहें आसान करेंगे। बाकी दूसरी नमाजों के अंदर भी ऐसा करें, जब भी मौका मिले कम से कम फर्ज पढ़ लिया करें। कम से कम अपने पे से एक फर्ज तो निकल जाएगा, एक जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी। खजा की नहीं होती, पढ़ लें, और तैमूम भी करें, अगर तैमूम का भी अच्छा इस्तेमाल करें। जब आप नहीं कर सकते, बहुत मुसीबत है, परेशानी, कपड़े इन करे हुए हैं, ऐसे हैं, तो ऐसे टाइम पे आप दीन में आसानी ये है कि आप अगर साफ पाक हैं तो तैमूम भी करके कर सकते। आज के नए जमाने में अल्लाह ताला ने तैमूम की भी ये दी हुई है सहूलत। एक मरतबा का जिक्र है कि हदीस में है हुजूर सल्लम के साथी, एक मरतबा का जिक्र है कि हदीस में है कि हुजूर सल्लम के साथी और हुजूर सल्लम सफर में थे, एक जगह आधी रात को क़याम किया, ठहर गए, नींद बहुत गलबा आ गया तो रुक गए, और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला को हुजूर ने कहा कि फजर के लिए उठा देना, सर जगा देना, और सब खाफे लाले सो गए। इत्तेफाक से क्या हुआ है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह की भी नींद लग गई, और आप सो गए बेचारे, थके हुए थे सफर में। अब जब नींद सुबह हुई तो कब सूरज बहुत ऊपर आ गया था, मेरे हिसाब से 8:30 9 का टाइम हो रहा होगा, धूप आ गई थी। जब धूप की चमक गर्मी जिस्म पे महसूस हुई तो सब लोग उठे। अब क्या हुआ, हुजूर सल्लम ने किसी को कुछ नहीं कहा, हजरत बिलाल को भी कुछ बुला बनाने कुछ नहीं कहा, खाली कहा कि बस चलो यहाँ से निकलो, थोड़ा यहाँ से निकल गए, थोड़ा और आगे गए, फिर बाद में वजू किया और हुजूर सल्लम ने फजर की नमाज बाजमात पढ़ाई। ये जो है ना इसका ये जिक्र ये बात ये बताती है कि हमको भी जो है ना इस्लाम में दीन में आसानी करना चाहिए। और ये ऐसी ये इस हदीस का हमारे उलमा ने बहुत ज़्यादा तस्करा नहीं किया हुआ है, मगर ये हदीस भी हम हुजूर सल्लम की ज़िंदगी के हर एक लम्हा हमारे लिए एक सबक है। तो ये भी आप बताती है कि हुजूर सल्लम भी जो है ना दीन में आसानी करते थे, और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हर नमाज और इस्लाम के अरकान उसके वक्त पे अदा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। शुरू शुरू में हमसे जो कोशिश होती है वो करना चाहिए, बाद में अल्लाह ताला खुद ही राहें आसान करने वाला है। अच्छा, अब हम दीन को आसान करने के लिए नमाजों की तादाद तो कम नहीं कर सकते, और ना रोज़ों की तादाद कम कर सकते हैं, और ना रोज़े में दोपहर में अगर गर्मी के दिन है तो एक टाइम पानी पीने का वक्त भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसा करके तो हम नहीं कर सकते ना दीन में आसानी। दीन में आसानी पैदा करने का तरीका क्या है कि दीन के अरकान पर अमल करना लोगों को आसान बनाना चाहिए, उनकी दीन की तालीम आसान करना चाहिए, मस्जिदों में बैठने पर पाबंदियाँ नहीं होना चाहिए, लोगों को बैठने देना चाहिए, लोगों के लिबास पर एतराज़ नहीं करना चाहिए,
अगर खिलाफ शरा लिबास नहीं है तो इतराज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ इस्लाम तैमुम की सहूलत देता है वहाँ तैमुम का देना चाहिए, इतराज़ नहीं करना चाहिए। कुरान करीम को तर्जुमा से पढ़ने के लिए वजू की जरूरत के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए कि तो तर्जुमा पढ़ रहा है वो। अगर कुरान शरीफ तो है ही मुसलमानों और गैर मुस्लिमों सबके लिए, मुसलमान तो वजू करेंगे गुसल करके भी पढ़ेंगे कुरान शरीफ, मगर गैर मुस्लिम जो है तो कुरान शरीफ को थोड़ी वजू करके और गुसल करके पढ़ेंगे। तो कुरान को तो अल्लाह ताला गैर मुस्लिम के लिए भी कहता है कि पढ़ने के लिए, इसलिए कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ने के लिए लोगों पर जोर नहीं डालना चाहिए कि तुम वजू करो गुसल करो तैमुम करो ऐसा करो। बगैर उसके भी या तैमुम से भी कुरान शरीफ पढ़ने का लोगों, ये है दिन को आसान करना। नहीं तो लोग जो है ना कुरान पढ़ने से महरूम हो जाते कि हमको वजू नहीं है हमको गुसल नहीं है, तो कुरान के फायदे से महरूम हो जाते छोटी सी बात के वास्ते, तैमुम और वजू की वजह से। उसका स्वाब कम है, कुरान पढ़ने का स्वाब ज्यादा है, कुरान पढ़ने का स्वाब ज्यादा है, तैमुम और वजू का कम है। इसलिए आपको चाहिए कि जब से जब मौका मिले कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए, और उसके लिए ऐसा लोगों पे जोर नहीं डालना चाहिए। ये दीन को आसान बनाना है, दीन को आसान बनाना ये नहीं है कि रोजों की तादाद कम कर दो या रोजे में दोपहर में पानी पीने का मौका दो या नमाजों की रकात कम कर दो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा करके दीन आसान नहीं कर सकते। दीन आसान करना दीन के ऊपर उनके चीज़ों पर अमल करने के लिए आसान है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुरान शरीफ को जो है ना तर्जुमे से पढ़ो, अच्छा मजबूर नहीं कर सकते। तो इस्लाम की बातें बताएंगे, अगर कुरान पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ने दें। अच्छा, हमारे 1440 साल के इस मिलेनियम गैप में, हमारा जो 1440 साल का जो जनरेशन गैप नहीं हुआ बल्कि मिलेनियम गैप हो गया, मिलेनियम गैप में हमारे उलमा यहूदियों की तरह हमारे दीन को बना दिए है। हमारे उलमा ने हमारे इस दीन को यहूदियों की तरह बना दिया, जैसा यहूदियों ने अपने मजहब को बना दिया था वैसा अपने दीन को बना लिया है। 1440 साल का मिलेनियम गैप हो गया, जनरेशन गैप तो खाली एक जनरेशन का गैप रहता, हमारे पास तो 1000 साल का गैप हो गया, यानी मिलेनियम गैप हो गया। और इसमें हमारे उलमा ने जो है दीन को बहुत मुश्किल बना दिया, अच्छा हमारे दीन को बहुत रिजिड और बहुत सख्त बना दिया है, इसलिए दीन से लोग दूर हो गए और गैर मुस्लिम तो बहुत दूर हो गए। हमारे मुसलमान खुद दीन से दूर हो गए तो गैर मुस्लिम को क्या है। हमारे दीन को एक आफाकी निज़ाम हयात से निकाल कर, हमारे दीन को एक आफाकी निज़ाम और हयात से निकाल कर सिर्फ इबादत और रियाजत तक महदूद कर दिया। दीन सिर्फ खानखाहों के अंदर ही रह गया, महदूद हो गया, आम लोग उलमा के मोहताज हो गए। और आम लोग उलमा के मोहताज, उलमा जो पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, नमाज के बाद दुआ तक हमारे लोग नहीं कर सकते, इमाम का इंतजार करते रहते कि जब इमाम दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो हम उठाएंगे, इतना तक उनको जो है ये कर दिया। यहूदियों के दीन को, यहूदियों के मजहब को तो रामबाम ने इस्लाम से सीख सीख कर सख्तियों से दूर कर दिया। यहूदी मजहब में बहुत सख्ती थी, मगर रामबाम ने इस्लाम से सीख सीख कर सख्तियों से आजाद कर दिया, और वो दीन को उन्होंने यहूदियों का आसान कर दिया, और हम जो है वहां के वहीं फंस गए। हुजूर की अहादीस में दीन को आसान बनाने के लिए है, दीन को आसान बनाने के बारे में हुजूर ने बहुत अहादीस में कहा है कि दीन को आसान बनाओ बोले। अब जिस तरह भी मुमकिन हो कोशिश करना करना चाहिए कि दीन पर अमल करना एक आम मुसलमान के लिए आसान हो, हर एक इस्लाम पर आसानी से अमल कर सके। इसके लिए मोटी मोटी और कई कई दर्जन किताबें नहीं लिखना चाहिए, कई कई जो है ना जिल्दों पर मुश्तमिल जो है कुरान और हदीस की तफसीर नहीं लिखना चाहिए। मुसलमान उलमा ने कुरान और हदीस की तफसीरें कई कई जिल्दों पर लिखी, 10 जिल्द 20 जिल्द का मतलब ऐसे जिल्दों पे, और एक एक किताब एक एक हज़ार की, एक एक हज़ार पेज की किताब, और ऐसे 10 जिल्दें 20 जिल्दें 24 जिल्दें पे लिखी हुई है। अब ऐसी किताबें कौन पढ़ेगा, किसके पास इतना टाइम है, कितना किसके पास इतना पैसा है। आज के ज़माने में तो किताबें बहुत महंगी हो गई, कागज़ भी महंगा हो गया, एक एक किताब एक एक जिल्द जो है ना 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में मिल रही है। ऐसी अगर 20 जिल्दें आपको अगर पढ़ना पड़ी कुरान की तफसीर की तो आप तो पूरी जिंदगी नहीं पढ़ सकते। तो ये भी एक शैतान का एक वसवसा है, शैतान का दीन से रोकने का तरीका है, इसको भी हमको समझना चाहिए कि हमारे मुसलमानों उलमा को सस्ती किताबें छापना चाहिए दीन की इस्लाम की, और सस्ते में और ज़्यादा मोटी नहीं लिखना चाहिए, सस्ती जो ज़रूरी है। हमारे कुरान जो अल्लाह ताला ने हमको छोटी सी किताब दी, अल्लाह ताला देना चाहता तो 10,000 पेज की कुरान दे सकता था, 10,000 पेज की, मगर नहीं दिया, अल्लाह ताला ने छोटी सी कुरान दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हादीसे बहुत ज़्यादा किताबों में नहीं है, थोड़ी सी है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको इतना दीन मुश्किल नहीं दिया, तो मुख्तसर तरीके से दिया, जामे दिया, तो हम उलमा उसको दीन को जो है ना इतना मुश्किल बना दिए, और कई कई दर्जन उसके ऊपर जिल्दों के ऊपर तफसीरें और हदीसों की लिख रहे हैं। यह शैतानी वसवसा है, इससे बचना चाहिए। और मुसलमानों पर इतना टाइम भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, इतना वक्त ये भी नहीं है कि इतने किताबें लेके पढ़ते बैठेंगे। अच्छा अच्छा ये हो रहा है, अगर कई कई दर्जन किताबें मुबनी कुरान, अगर ये कई कई दर्जन जिल्दों में मुबनी कुरान हदीस की किताबें उलमा और खास लोगों के लिए हैं, तो खास लोग जो है ना वो अगर पढ़ेंगे खानकाह बैठेंगे तो फिर कौन सा का इस्लाम का दीन का काम होगा, फिर आपस में लड़ाई झगड़े एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, और इसके लिए वो दीन इस्तेमाल होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है मुस्लिम माशरा मजीद बिगड़ता जा रहा है, सुधार नहीं हो रहा है। जैसा जैसा वक्त और जमाना गुजर रहा है मुस्लिम माशरा मजीद बिगड़ रहा है और सुधार नहीं हो रहा है। हमारे मुसलमानों की इस्लाह ही प्रोग्रामों में
नाते पढ़ना पे ज्यादा जोर हो गया है, नाते पढ़ रहे हैं, हमद पढ़ रहे हैं, शेर शायर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास बोलने के लिए कोई मौजू और टॉपिक नहीं है। अगर ये मोटी मोटी कई के जिल्दों पर मुश्तमिल तफासिर पढ़ने के बाद वो खास लोग इस्लाम का काम कर रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ फिरकावारियत ही फैला रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऐसे चीजों से बचना चाहिए। और हम अच्छा दीन इस्लाम को उरूज हासिल कैसा होगा जब हमको फिरकावारियत खत्म करना होगी। फिरकावारियत इल्मा की फैलाई हुई है, आम लोगों ने नहीं बनाई थी फिरकावारियत। फिरकावारियत को इल्मा ने ही फैलाया, और अपनी नासमझी और अपनी कम अकली की वजह से, कम आकी की वजह से फैलाया। तो अभी फिरकावारियत खत्म करने का काम भी उल्मा का ही, उल्मा ने आगे बढ़ के फिरकावारियत खत्म करना चाहिए। इस्लाम के अंदर कोई फिरका नहीं है, इस्लाम किसी फिरके को अप्रूव नहीं करता। अच्छा अगर समझो इस्लाम दुनिया में बाकी रह गया और ऐसी फिरका वारिस करेंगे, तो मजूसियों और यहूदियों की तरह मतरूक हो जाएगा, और हमारा दीन जो है सिर्फ म्यूजियम के अंदर रखा रह जाएगा। बुजुर्गान दीन के चोगे और मिट्टी के जो बर्तन, ये सब ऐसे जैसे रखे रहते म्यूजियम में वैसा हो जाएगा। इसलिए हमको जो है ना बचना चाहिए। और ये बात बता के मैं अपना ये चैप्टर खत्म करता हूँ। और हमको गैर मुस्लिमों की मुशाहबत नहीं करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिमों के जैसे लिबास पहन रहे, वैसे बाल कटा रहे, वैसे स्टाइल कर रहे, वैसे चल रहे फिर रहे। ये हदीसों में है कि हमको गैर मुस्लिमों की मुशाहबत इख्तियार नहीं करनी, यानी उनके जैसे इनकी सिमिलैरिटी नहीं होना चाहिए। हमारे हर काम में, दीन के, दुनिया के हर काम में भी गैर मुस्लिमों से सिमिलैरिटी नहीं रखना चाहिए, उनकी मुशाहबत नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे नौजवान मुसलमानों को गैर मुस्लिमों जैसे बाल और कटाना, वैसे स्टाइल, वैसे फैशन नहीं रखना चाहिए। सादे सीधा शरा के मुताबिक रख सकते हैं, ऐसा शर्ट पैंट पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, मगर जो है गैर मुस्लिमों से मुशाहबत करने वाली हरकतें नहीं करना चाहिए। ये बात बता के हम जो है ना मैं खत्म कर दूंगा। और हम अगर नहीं सुधरे, अगर हम नहीं सुधर रहे हैं आजकल जैसा जैसे जैसे जमाना गुजरते जा रहा है, और जो है और हमारी हालत और ख़राब होती जा रही है, तो हम जो है सुधरेंगे तो ठीक है। ये सब जो है एक शेर पढ़ते रहते हैं हमारे लोग कि हम जो हमेशा बाकी रहेंगे, और हमको अल्लाह ताला ने रखा है, हुजूर सल्लम का करम है। ये शेर क्या पढ़ते रहते हैं हमारे लोग, ये सब तुम्हारा करम है आखा के बात अब तक बनी हुई है। ये शेर है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका कि बात अब तक बनी हुई है। सही है, बात सही है कि बात अब तक बनी हुई है। 1440 साल हो गए, अब तक हम जो है ना बाकी हैं। अल्लाह का हम पे रहम करम है, हमारे इतने बड़े जुराइम के बाद भी अल्लाह ताला ने हमको बाकी रखा है, ये अल्लाह का करम है। मगर अभी ज्यादा आगे हम जिंदा बाकी नहीं रहेंगे, कि तो हदीसों में के बारे में है, ऑथेंटिक नहीं है, गैर ऑथेंटिक में है कि हुजूर सल्लम की जो पेशन गोई है 14वीं सदी तक ही है, 14वीं सदी के बाद नहीं है। अब 1440 साल हो गए, अब इसके आगे अगर हमको बाकी रहना है, बचना है, तो फिर जो है ना हमको सही इस्लाम पे आना पड़ेगा, दीन हनीफ पे आना पड़ेगा। नहीं तो इकबाल का शेर है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे गुलिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। देखो ऐसा है, अगर अभी ये जो दर्स में बता दिया, बहुत टूटे फूटे अल्फाज में बताया, और इसका मकसद सिर्फ आप लोगों में दीन का शऊर पैदा करना, दीन की स्पिरिट पैदा करना, सही दीन पैदा करना। और सही दीन ये है कुरान और हदीस, कुरान हदीस 100% सही दीन है, इसी के ऊपर चलना है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कुरान छोटी सी किताब है, हदीस की भी छोटी छोटी किताबें हैं, बस इस पे चलना है। आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको सही रास्ता पता चलेगा। ये बात करके मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगर कोई बात अगर पता चली आगे चल के, तो फिर और किसी चैप्टर में डालूंगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। 40 चैप्टर, ये 40 हिस्से उसके हो गए। इंशाल्लाह ये बात ख़त्म हो गई, और मैं अपना ये चैप्टर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।